Hello everyone. Very very good morning to everyone. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, so today एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपकी प्रिपरेशन के अंदर. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग प्रीलिम्स बैच और दिस इज द हाई टाइम कि हमको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और आप लोगों के साथ मैं प्रीलिम्स की आपकी तैयारी करवाऊंगा. राइट, और इस प्रीलिम्स बैच के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग करेंगे. तो पहले हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे प्रीलिम्स बैच के बारे में. ठीक है, फिर हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हम इंडियन पॉलिटी आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे. ठीक है, फिर बैच कैसे चलेगा इसके बारे में बात करेंगे, क्या मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे. ठीक है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या चीजें आपको मैंडेटरी करनी है वो चीजें भी हमको यहाँ पर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. राइट, आई होप एवरीथिंग इज ओके. इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस वॉइस और वीडियो प्लीज लेट मी नो. चलिए, सो सबसे पहले कि देखिए प्रीलिम्स की अभी जो है अभी अगर हम देखें तो डेट इज नवंबर 15. ठीक है, और नवंबर 15 इज द हाई टाइम जब आपको अपनी पूरी एंटायर प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स की तरफ फोकस कर देनी चाहिए, मतलब प्रायोरिटी आपको प्रीलिम्स की तरफ दे देनी चाहिए. नवंबर 15 से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ मुड़ जाते हैं और जनवरी आते आते हैं आपको प्रीलिम्स के अंदर बिल्कुल झोंक देना है अपने आपको. राइट, तो ये जो बैच है ये बैच मैंने इस तरह से बनाया. इस बैच का मेरा यही पर्पस है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हम मेहनत करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज द ओनली बैच ऑन अधिष्ठान आईएएस टिल अप्रैल और मई तक यही बैच रहेगा. राइट, और इस बैच के अंदर हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटली हम इसके अंदर चीजों को करने वाले हैं. तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले मैं बता दूं कि क्या क्या मेरा माइंडसेट है इस बैच के बारे में. ठीक है, किस क्योंकि इस बैच को फॉर्मुलेट मैंने ही करा है तो आई नो बेटर कि माइंडसेट क्या है इस बैच के पीछे. ठीक है, क्या क्या हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे. राइट, फिर हम ये समझेंगे हमको पढ़ना कैसे चाहिए प्रीलिम्स के लिए और फिर हम समझेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट को हमको किस तरह से इसके अंदर करना चाहिए. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लेट यू नो दैट ये बैच जो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और हमको एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप चाहिए इसके अंदर. ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पर पढ़ाना चाहते, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होने चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये बैच जो है दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, इसके अंदर हम रिजल्ट चाहते हैं. ठीक है, हमें इसके अंदर कोर्स कंप्लीट कराने से कोई मकसद नहीं है हमारा. ठीक है, हमारा मकसद ये है कि हमको रिजल्ट मिले. ठीक है, कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो मतलब दिस बैच इज जस्ट अ फेलियर. राइट, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रिजल्ट है. ठीक है, क्योंकि बच्चे ज्यादा है नहीं इसके अंदर, आई थिंक 25 स्टूडेंट्स आर देयर. तो 25 स्टूडेंट्स के अंदर हम पर्सनल सबको प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर. ठीक है, ठीक है, बैच जो होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द, क्योंकि हमने दो क्लासेस के अंदर रखी है और उसका भी आप पहले लॉजिक समझिए दो क्लासेस क्यों रखी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहली क्लास होगा 8 AM से. ठीक है, एंड देन 9:30 AM विल बी द क्लास. ठीक है, तो सुबह का जो टाइम होगा आपका, इससे पहले का टाइम आपका रिविजन का रहेगा. ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास होगी और फिर रात का जो टाइम होगा 8 PM से लेकर 9:30 PM. तो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपकी शेड्यूलिंग कर रहे हैं, आपकी पूरे डे की शेड्यूलिंग कर रहे हैं. ठीक है, फिर आगे चलकर जब डे की शेड्यूलिंग हो जाएगी अच्छे से, आप लोग समझ जाएंगे किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर अपन टाइम और ज्यादा फ्लेक्सिबल रख देंगे कि भाई 8 बजे सर थोड़ा लेट हो जाता है तो 7 बजे का रख देंगे. अभी इसको जानबूझकर इसलिए रखा गया है बिकॉज आप स्टार्टिंग के अंदर अपनी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं नॉर्मली 8 बजे तक तो सब उठ ही जाते हैं. ठीक है, और 9:30 बजे तक कई बच्चे होते हैं 10 बजे तक सो जाते हैं, तो उनके हिसाब से ये टाइम इस तरह से रखा है जिससे कि आप लोग पूरा टाइम मेरे साथ रहे. ठीक है, अच्छा, इसके बीच में आपको क्या करना है. ठीक है, इसके बीच के अंदर क्या करना है. ठीक है, किस तरह का टाइम टेबल आपको सेट करना है. ठीक है, आप चाहें तो मैं इसका टाइम टेबल आप लोगों के लिए पर्सनलाइज सेट कर सकता हूँ. राइट, बट हम देखिए आपकी तरफ अपनी तरफ से 100% आपको देने वाले हैं. ठीक है, इसके अंदर बैच के अंदर थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, 5-6 क्लासेस के अंदर आपको पता जाएगा कितने डेडिकेटली अपन सब्जेक्ट को इसके अंदर पढ़ रहे हैं. ठीक है, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए अभी तक आपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा. ठीक है, तो वो सब कचरा नहीं बोलेंगे उसको, वो सब जो भी आपकी नॉलेज है ना, ठीक है, जहां से भी आपने नॉलेज ली है, राइट, उस सब नॉलेज को हटाकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा. राइट, अपने आपको थोड़ा सा इम्यून करके आना पड़ेगा. और जो भी अगर आप देखेंगे कि जो भी अगर ब्लैंक स्लेट से आई है अपने पास, ठीक है, हमारे पास, तो हम ज्यादा से अच्छे से इसके अंदर नॉलेज डाल सकेंगे. ठीक है, अब ये कैसे करना है, अगर ये नहीं होता है आपसे तो फिर भी आप आ सकते हैं डायरेक्टली. हम जानते हैं कि इसको किस तरह से आपको बेसिक से नॉलेज देना, क्योंकि बैच जो है बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा. ठीक है, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा, तो कोई भी बच्चा अगर उसने प्रिपरेशन नहीं भी करी है वो भी इसके अंदर बैठ सकता है, जिसने प्रिपरेशन कर ली है वो भी बैठ सकता है. क्योंकि आप लोगों को बिलीव मी और नॉट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अभी सब्जेक्ट के अंदर जो पकड़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जिसको हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसमें भी अभी प्रॉब्लम रहती है. 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी भी रहती है, और यही मेन रीजन रहता है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में लैक करते हैं. दैट्स व्हाई हम बार बार प्रीलिम्स के अंदर फेल हो रहे हैं. राइट,
ठीक है, तो ये चीजें। चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ वेज के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इसके अंदर वैरायटी ऑफ वेज के अंदर सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन उसका समझना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या ट्रिक्स रहती है, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने की, क्या आपने गलती करी, ठीक है, किस तरह से आपको एमसीक्यू करना चाहिए था, आपने क्या मिस्टेक कर दी, ठीक है, वो सब चीजें हम इसके अंदर आपको बताएंगे। तो इसके लिए एमसीक्यूज के लिए हम पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज के लिए हम क्या करने वाले हैं। एमसीक्यूज के लिए हम एक तो वीकली टेस्ट रखेंगे, ठीक है, वीकली टेस्ट रखेंगे। वीकली टेस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है, एक वीक के अंदर टेस्ट होगा, हर वीक के अंदर इस टेस्ट होगा, राइट। इसी के साथ वीकली टेस्ट के साथ साथ फिर जैसे सब्जेक्ट खत्म हो गया, मान लीजिए पॉलिटी सब्जेक्ट खत्म हो गया, तो पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट रखेंगे, टू फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 100-100 क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर टू फुल लेंथ टेस्ट विल बी देयर, राइट। इसके बाद हम थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो बी देयर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो होंगे पेपर्स होंगे 15 पेपर्स विल बी देयर अप्रोक्सीमेटली, आई एम सेइंग, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे दिए जाएंगे, राइट, और उसको जो कि आप फ्री माइंड से आपको सॉल्व करने चाहिए वैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अच्छा, इन सब के अलावा कि हर टेस्ट के बाद एक डिस्कशन होगा, हर टेस्ट के बाद वो डिस्कशन वाली क्लास रहेगी, और उस डिस्कशन क्लास के अंदर सबका ये देखा जाएगा किसने क्या गलती करी है और किसको किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी पर्सनलाइज्ड भी हम रखेंगे इसको, क्योंकि हमारे पूरा फोकस प्रीलिम्स बैच के अंदर ही, हम कोई अलग इसके ऊपर और कोई बैच नहीं ले रहे इस सेशन के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर पूरी टीम इसके ऊपर ही फोकस है, तो इसके ऊपर ही हम सब बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करते रहेंगे और फेस तरह, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज दैट कि आपको डिसिप्लिन रहना है इसके अंदर, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट योर एक्सपेक्टेशन। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, पहली थिंग ये है कि सभी बच्चे, क्योंकि हमने शेड्यूलिंग करने की सोची है बच्चों को, तो सभी बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अभी 21 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आप क्या करेंगे, आप एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मेरी भाषा के अंदर डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ठीक है, मेरी भाषा के अंदर देखो, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उसकी डिसिप्लिन की भाषा अलग अलग होगी, ठीक है। आप जिम में जाएंगे तो किसी उसके अंदर डिसिप्लिन की भाषा अलग है, ठीक है, आप नर्सरी क्लास में जाएंगे उसके अंदर डिसिप्लिन की भाषा अलग है, कॉलेज में जाएंगे, यहां पर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अभी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, ठीक है, अभी यहां पर कुछ स्टूडेंट्स वो भी बैठे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, हमने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत मस्ती से पढ़ा था उसको, ठीक है, पर यहां पर हमको डिसिप्लिन मैनर के अंदर प्रिपरेशन करनी है, यहां पे चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, समझना है, यहां पे टेस्ट है मतलब टेस्ट देना है मतलब टेस्ट देना है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है सभी बच्चों से, ये हम बोल रहे हैं, देखिए लाइव क्लासेस विल बी देयर, ठीक है, तो लाइव क्लासेस ही आप लोग अटेंड करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यही आपका पहला स्टेप है। अगर इसमें ही अगर आप चूक गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर हम, ठीक है, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर, लाइव क्लासेस आपने नहीं ली तो हम कोई गारंटी आपकी नहीं ले रहे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सर हम नहीं ले पाते लाइव क्लास, क्यों, क्योंकि सर हमको वहां पर जाना होता है, अपना इंस्टीट्यूट के अंदर जाना, मतलब अपने वर्क के अंदर जाना होता है, तो उन लोगों के लिए ये है कि उसी दिन आप क्लास को खत्म करें, ठीक है, पाइल अप ना करें कि सैटरडे संडे बैठकर हम लगा लेंगे, नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए उसी दिन आपको क्लास खत्म करना है, दिस इज द डिसिप्लिन नंबर वन। सेकंड जो डिसिप्लिन है कि आपको हर टेस्ट देना है बच्चों, हर टेस्ट देना है, हर टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाएगी और किसी तरह से कुछ रिवार्ड एंड पनिशमेंट का भी फॉर्मूला रखेंगे जिससे कि आप लोग मोटिवेट रहे, ठीक है, हर टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस नोट की जाएगी, ठीक है। और देखो वैसे कहने में अलग लगता है कि अगर हमको ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस गिर रही है बच्चे की, ठीक है, तो हम उसके ऊपर पर्सनली बहुत अच्छे से जान देंगे, और फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हमको पेरेंट्स से भी टॉक करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पेरेंट के थ्रू भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमको आप अथॉरिटी देंगे कि पेरेंट्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन करना होगा जिससे कि पता चले कि बच्चा कहां लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पर हमको ऑन टूज रहना पड़ेगा अपने, ठीक है, बिकॉज यहां पर अब प्रीलिम्स के अंदर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो मतलब आप लोग भी पता है कि आप लोग किस स्थिति में आए यहां पर, ठीक है। कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट्स मेरे विजन आईस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, जिन्होंने 2-3 साल विजन आईस में प्रिपरेशन करी है पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई स्टूडेंट हो सकते हैं कि वैसे ही 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स बिगिनियर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप सबको पता है आपकी स्थिति क्या है, ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है
और इस विशियस साइकिल से आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हमको सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। उसके आगे फिर और भी जिंदगी पड़ी है हमारी, आईएएस एग्जामिनेशन ही नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स हमको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, इसके ऊपर ही ये फोकस करके बैच बनाएगा। इसीलिए बैच अभी 15 नवंबर को स्टार्ट करा गया है कि हाई टाइम है भैया, इसके अंदर प्रीलिम्स के ऊपर आप बिल्कुल डेडिकेटली पढ़े, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, ठीक है। क्वालिटी के अंदर हम 1% का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमको ये चाहिए कि आप डेडिकेटली इस चीज को फॉलो करें। डेडिकेशन डिसिप्लिन का मतलब है लाइव क्लास अटेंड करना, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आपसे पूछा, मतलब किसी तरह से, मतलब हमको कैसा भी साम दाम दंडित करके भी आपको प्रीलिम्स के अंदर कहीं स्टैंड करवाना है, ठीक है, है ना। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम इसके अंदर आपका जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको क्वेश्चंस को लाइव अटेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को उसी दिन देना है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना उसी दिन दे, क्योंकि अगले दिन क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई उसी दिन क्वेश्चंस दे तो बेटर रहेगा। और क्वेश्चंस जो होगा वही होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पढ़ाया जाएगा उसके अंदर से पूछेंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाकर, ठीक है, जैसे यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम कहें लाइव क्लास के बाद, तो सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिवीजन। देखो भाई, अगर आपको भगवान कृष्ण भी आके पढ़ाने ले जाएंगे और तुम रिवीजन नहीं करोगे, तुम कहोगे सर हम रिवीजन नहीं करेंगे, आप हमको पढ़ा पढ़ा दो बस, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भगवान भी आकर तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है, कि भाई बेटा मैं पढ़ा देता हूं तेरे को, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और तुम रिविजन नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो रिविजन इज मस्ट। कैसे रिविजन करना है, क्या करना है, हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम किताबों को पढ़ दें, ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि भाई बहुत सारे एनसीईआरटी को पकड़ के पढ़ लें, ठीक है, ऐसा नहीं है अपने पास, मतलब तुम पर्सनली तुम्हारे पास नहीं। तो हमने इस कोर्स के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व करा है बच्चों। आपको पता है मैंने अनअकैडमी पे सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है, और एनसीईआरटी से लेकर बेसिक बुक से लेकर, ठीक है, फंडामेंटल बुक से लेकर, एमसीक्यू से लेकर सब कुछ करा रखा है। तो वो सारी नॉलेज मेरे पास, और उस नॉलेज को कहां पर किस तरह से डालना है ये भी मुझे पता है, राइट। तो आपको ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, सब कुछ कोर्स के अंदर आ जाएगा। तो डोंट ट्राई कि आप कहीं और से सोर्स से पढ़े, चार बुक और पढ़े, चार किताबें और पढ़े, इस तरह की गलती मत करना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो फिर अपने खुद सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है, या फिर हमारे ऊपर पूरा का पूरा आप बिलीव कर यहां पर आए। देखो, बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बिलीव नहीं रखोगे अपने टीचर के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो देर विल बी प्रॉब्लम। आप पूरा बिलीव करके आए कि हाँ हम राइट हैंड्स में, ठीक है, आपको थोड़े दिनों खुद ही पता चल जाएगा वो, राइट। और उसके साथ साथ आप अपनी तरफ से 100% दें। दिस इज ए हाई टाइम, अगेन आई एम सेइंग, अभी नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स नहीं है क्लियर तुम्हारा, ये समझ लो। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी और प्रीलिम्स क्लियर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा 1.5 साल तुम लाइफ में पीछे हो गए। मतलब 1.5 साल बाद होगा अब सब काम, शादी 1.5 साल बाद होंगी, बच्चे 1.5 साल बाद होंगे, सब कुछ 1.5 साल बाद होने वाला है, नौकरी 1.5 साल बाद लगेगी, सब कुछ समझ आ रहा है। तो उस 1.5 साल को हमारी लाइफ को बचाना है हमको, वो डिप्रेशन के 1.5 साल रहेंगे नहीं, तो एंजाइटी डिप्रेशन फियर ये सब चीजें रहेंगी 1.5 साल तुम्हारा। तो उस 1.5 साल को हमको हैप्पी बनाना है किसी तरह। तो हमें इसलिए आज से ही ये डिसाइड कर लेना है कि हम बिल्कुल डेडिकेटली प्रिपेयर करेंगे। हमें कभी भी इस तरफ से नहीं सोचना है कि हमको प्रिपरेशन करने के लिए अभी समय है, या सैटरडे संडे को पढ़ लेंगे, या फिर मंडे को पढ़ लेंगे, ऐसा कोई डे या फिर कोई चीज, या फिर 1 जनवरी से पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन लेकर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 15 नवंबर इज द 1 जनवरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। और मुझे अगर लगेगा कोई भी बच्चा इसके अंदर लैक कर रहा है तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, पर एक पॉइंट पे अगर मुझे लगता है कि नहीं कर रहा है तो आई विल टेक सम डिसिप्लिनरी एक्शंस, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, फीस आपको वापस सबमिट कर दी जाए, राइट, ये हो सकता है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर इस वाले बैच के अंदर पर्टिकुलरली मैं कोई फीस के लिए यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को यह है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करके उनको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और वो प्रीलिम्स वाले वॉर जो है वो लड़ाई जो है उसको अंदर फाइट कर सके, ठीक है। तो ये तो मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो आप स्टडी पढ़ रहे हो, आप ऐसे समझते होंगे कि एक पॉलिटी की किताब पढ़ी या पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, ठीक है, फिर तीसरा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, है ना। पॉलिटी के क्वेश्चन करें फिर हिस्ट्री पढ़े, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग अप्रोच से कि पॉलिटी जब पढ़ रहे हैं तब हम हिस्ट्री भी पढ़े, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ उसको लिंक करके पढ़े जब हिस्ट्री का, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो है ना, दैट इज नॉट कि जीएस पेपर 1 की नॉलेज है, जीएस पेपर 2 की नहीं। इंटरलिंकिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों,
अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप अभी आप देख लेना आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटी और हिस्ट्री कितनी ज्यादा लिंकेज है। अगर आप बिना हिस्ट्री के पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मतलब रट रहे हैं, आपने कुछ ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर आपने कहीं लूज कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको इंटरलिंकिंग अप्रोच से पढ़ना। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ रहे तो मूर्खता कर रहे हैं, बहुत बुरी बड़ी वाली। ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि भाई अमेरिका के अंदर किस तरह की पॉलिटी है, ठीक है, चाइना के अंदर किस तरह की पॉलिटी है, ठीक है, पाकिस्तान में किस तरह, तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि हम ये जो पेपर है अभी प्रीलिम्स का पेपर, अगर हम देखेंगे 2010 से पहले, है ना, 2010 से पहले एक बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल पेपर आता था, फैक्ट्स रट के जाओ और उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर आएगा, इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना उसके हम चीजें कर नहीं सकते। अगर आप सिंपली कहीं से पढ़कर या फिर कुछ कर आप पेपर निकालने की सोचे तो अभी नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हम इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है बच्चों, कॉन्सेप्ट ही नहीं होते, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि टिप्स और ट्रिक्स अपन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अपने बहुत सारी बार अपन ने जब करंट अफेयर्स याद करें तो टिप्स एंड ट्रिक्स अपन ने उसके अंदर यूज करी, तो वो भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह से होगा, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होगा ये हम इसके अंदर बताएंगे। ठीक है, आप बस ये समझिए कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उसको आपको मल्टी डायमेंशन में पढ़ना है। बस हम यहाँ पर ये करने वाले हैं, सब्जेक्ट को एक तरह से नहीं सिलोस के अंदर नहीं पढ़ रहा कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स अलग अलग पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फिर रटोगे आप लोग चीज। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरी साइड से, एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनी वन हैज, यस यू कैन, ऐसा है कि इसके अंदर म्यूट का ऑप्शन होता है, अभी आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट ऑफ करके आप बोल सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर वन। चलिए तो हम अगर समराइज करें तो हम कैसे किस तरह से पढ़ेंगे, देखिए कि इंटरलिंकिंग अप्रोच से पढ़ेंगे। ठीक है, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करेंगे पूरा का पूरा, टिप्स और ट्रिक्स यूज करेंगे जहां जहां पर काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपन रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अल्टीमेटली क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये ज्ञान अर्जित करके ऐसे कोई फिलोसफर तो बनना नहीं। ठीक है, इसके अलावा वीकली क्विज, फुल सेक्शनल टेस्ट विल बी देयर और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी देयर, ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। ठीक है, ये मैंने अभी ये चीज मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा। नहीं मैं आपको कोई सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पॉलिटी का सिलेबस, की पॉलिटी का सिलेबस क्या होता है, जब हमको सब कुछ पढ़ना ही है पॉलिटी के अंदर तो उसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम बहुत ही डेडिकेटली बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाले। चलिए तो लेट स्टार्ट विद द पॉलिटी सब्जेक्ट। हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे पहले अपन ये समझ लें। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जिसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, नहीं डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी कि पैटर्न चेंज हुआ है हमको पता है, हम यही काम करते हैं, पैटर्न चेंज किस तरह से हो रहा है यही सब हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, तो वो सब चीजें हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा इसके अंदर खुद की तरफ से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दैट इज द थिंग, राइट। देखिए पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है, किसी भी देश को चलाना है या फिर किसी भी, अगर मान लीजिए आप घर भी चलाते हैं अपना, ठीक है, कोई फैमिली भी अगर आप चला रहे हैं तो उस फैमिली के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने पड़ेंगे, रूल्स और रेगुलेशन कि भाई किस तरह से आपको घर में कितने बजे जाना है, घर में कितने बजे आना है, किस तरह से बात करनी है घर के अंदर, ठीक है, किस तरह से आप क्या कर रहे हैं कि घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, मैरिजेस का क्या उसूल है घर के अंदर, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसा कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर होता होगा। ठीक है, पॉलिटी के अंदर भी अगर हम देखें तो पॉलिटी के अंदर भी इस तरह की चीजें होती हैं कि आप एक देश चला रहे, फैमिली की जगह यहाँ पर लग दो एक कंट्री, और कंट्री किस तरह से चले साहब, कंट्री की क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, कंट्री का क्या सिस्टम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, कंट्री के अंदर किस तरह की चीजें होनी चाहिए, राइट, किस तरह से कंट्री को गवर्न करे, कौन गवर्न करे, किस तरह के सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन किस तरह हो, राइट, ये सब चीजें जो होती है वो पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर आएगी, क्या लॉज होंगे, क्या रेगुलेशन होंगी, लॉज कैसे बनेंगे, रेगुलेशन कैसे बनेंगे, ठीक है, किस तरह की बॉडीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किस तरह से होंगी, ठीक है, किस तरह की यहाँ पर थीम रहेगी कि भाई सेकुलर कंट्री है कि किस तरह की कंट्री है, कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, किस तरह की कंट्री है, राइट, कि किस तरह के राइट्स हैं, किस तरह की ड्यूटीज हैं, ये सब चीजें किसी कंट्री के अंदर किस तरह का सिस्टम चल रहा है, दैट इज नोन एज पॉलिटी। ठीक है, और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज आपने भारत आजाद हुआ उसके बाद ये सिस्टम बना, नहीं, ये सिस्टम वर्षों से चला रहा है,
ठीक है, ये सिस्टम वर्षों से चला रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले से भी ये सिस्टम चला रहा है कि किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत सारे लोग आए और वो किस तरह से गवर्न करके गए हमारी कंट्री को, ये हमने इसके अंदर सीखा। ठीक है, और वो जो होता है वो अपन हिस्ट्री बोल देते हैं, उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोल दो, एंशियंट हिस्ट्री बोल दो, मिडिवल हिस्ट्री बोल दो, इस तरह के लिए कि लोग बाग कैसे रहते थे, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो वो पॉलिटी जो है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द समवॉट रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर इवॉल्व हुआ। आज हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 पे वो कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं था, और जब हम आजाद नहीं थे तो कुछ और था। ठीक है, हम पहले जो था, इससे पहले जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रेगुलेट हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। ठीक है, तो हमारा जो है सिस्टम जो है किसी तरह से इवॉल्व होके बना है। ठीक है, तो इसलिए हिस्टोरिकल डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ने का यही तरीका है कि आप उस चीज को देखें, उस चीज को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, कि किस तरह से इवोल्यूशन होकर हम यहां तक चीजें पहुंची हैं। ठीक है, और हम आज के समय में किस तरह से रह रहे हैं, यहां तक हमको पढ़ना है, दैट इज नोन एज योर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, मतलब वहां से लेकर करंट अफेयर्स तक हमको किस तरह से जाना है, ये हमें समझना हो। क्योंकि हमको जो रूल करा है वो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा रूल करा है हमें। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक हमें रूल करा है, तो हमें उनका डायमेंशन पता होना चाहिए कि वो आए किस तरह से आए। पॉलिटी पढ़ने से पहले हमको ये सब पता होना चाहिए वो किस तरह से आए, उन्होंने किस तरह से अपना रूल एस्टेब्लिश करा, उनके क्या क्या लॉज थे, क्या क्या उनके चार्टर एक्ट थे। ठीक है, क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, फिर चार्टर एक्ट है वो किस तरह से हुए, उसके बाद किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमको आजादी मिली, किस तरह से हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमको फिर असली पॉलिटी स्टार्ट करनी होती है, आर्टिकल 1 से जो अपन स्टार्ट करते हैं। सुन मारा, अच्छा अगर आप सीधे मैं आपको आर्टिकल 1 से पढ़ाऊं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से पढ़ाऊं, तो वो चीज जो होगी, वो जो पीछे जो चीज चली आ रही है, ठीक है, हमारी वो चीज हमने मिस कर दी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करके आगे की तरफ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रटने की अप्रोच आ जाती है कि भाई आर्टिकल 1 रट लो, 2 रट लो, 3 रट लो, इस तरह का हो जाता है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ठीक है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स सर हमने एक बार नहीं पढ़ा है, वो सर हमने 50 बार पढ़ा है, और आज भी हमसे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर हमको डाउट रहता है। सर मारा है, आज भी अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं उसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चन, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि आपने उसको कम से कम 50 बार रीडिंग उसको करी होगी। स्टार्टिंग आप वहीं से करोगे, पॉलिटी की बुक से। जब जोश में आता हो तो कहते हैं ना आज पूरी पॉलिटी खत्म कर देंगे, तो पहला चैप्टर तो पढ़ ही लेते हो कम से कम जोश में। ठीक है, तो वो क्या रीजन है कि सर हम उसको क्यों भूल रहे हैं बार बार। अब मैं देखना यहां पर तुमको एक पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से लेकर वहां पर पहुंचाऊंगा, और वहां से फिर तुमको समझ में आएगा, अच्छा ये सिस्टम था इस कारण से हम बार बार में भूल रहे थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने की काबिलियत रखेगी। सर हम पढ़ तो लेते हैं पर पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो जो चीजें हैं वो क्यों प्रॉब्लम में आता है वो अपन इसके अंदर समझेंगे। तो जब मैं कहने का मतलब ये, जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ही अच्छे से एक इवोल्यूशन फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, और आज के लेवल का तक का करंट अफेयर्स हम यहां पर आपको करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा रह नहीं जाएगा जिसमें से क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, प्लीज बिलीव मी और नॉट कि जो भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं, ठीक है, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने बहुत कम पढ़ा है, अनअकैडमी में बहुत कम पढ़ा है पॉलिटी का, मतलब जो आप पढ़ाएंगे उसका 30% ही पढ़ा है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से भी पूछे जा चुके हैं। सुन रहे, इकोनॉमिक्स मैंने आपको अनअकैडमी में पढ़ाया, वो बहुत कम पढ़ाया मैंने, ठीक है, पर उसके अंदर से आप देखेंगे मोर देन 80% क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, मैं अपने इंस्टीट्यूशन को अंदर उसको पढ़ा रहा हूँ, तो पूरे डेडिकेटली हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, और बिलीव मी ऑर नॉट कोई भी क्वेश्चन रह जाए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और कोई क्वेश्चन रह भी जाता है आपका, मान लीजिए पॉलिटी के अंदर से आता है, बिलीव मी ऑर नॉट कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको यहाँ पर पर्सनल गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। और सबसे पहले पॉलिटी के अंदर स्टार्ट जो हम करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, कुछ छोटी छोटी चीजें बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हम सबसे, पर उससे पहले किसी को कोई भी डाउट पूछना हो, एनीबडी हैज एनी डाउट इन देयर माइंड्स कि सर किस तरह से कोर्स चलेगा, क्या होगा, तो प्लीज आस्क मी, एनीबडी हैज एनी डाउट। ठीक है, अच्छा चलो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, और बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक राजा है, ठीक है, ठीक है, और उसके पास मान लो यहां पर 120 करोड़ लोग हैं। समझ में आ रहा है, तो अब इस 120 करोड़ लोगों को रूल करने के लिए राजा को कोई लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है,
अच्छा एक ऐसा समझो कि ऐसा सिस्टम है कि राजा के मूड के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। फिर कोई आता है महाराज की जय हो बोलता है और राजा गर्दन काट देता है, मूड खराब था आज, ठीक है। कोई बोलता है महाराज की जय हो तो राजा अपने गले में से चेन निकाल कर उसको दे देता है, मूड अच्छा था। अगर ऐसा सिस्टम चलेगा तो सिस्टम थोड़े दिनों तक ही चलेगा, आगे चलकर सिस्टम फेल होने वाला है, ठीक है। दैट सिस्टम विल बिकम केओस, ठीक है, एक अनार्की और केओस रहेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बट अगर हम यहां पर एक तो इन लोगों को 120 करोड़ लोगों को अगर आपको रूल करना है, ठीक है, और अगर आपको यहां पर चीजें अच्छे से चलानी है तो एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम को बोलते हैं गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इस गवर्नमेंट के साथ साथ, ठीक है, इनकी देखो दो चीजें, एक तो गवर्नमेंट है और एक सिटीजन है, तो एक सिस्टम होना चाहिए, कहीं पर लिखा हुआ या फिर कहीं पर बोला हुआ, अनरिटन या फिर रिटन, एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर ये लिखा हो कि इस गवर्नमेंट के पास क्या क्या ताकत है साहब, इस गवर्नमेंट के पास क्या क्या ताकत है, ये किस तरह से लॉ बनाएगी, ये किस तरह से कानून बनाएगी। ऐसे नहीं कि जब मर्जी आए गला काट के कह दिया कि भाई महाराज की जय हो क्यों बोला, कभी फूल की माला पहना दी, कभी सोने की माला दे दी महाराज की जय हो, एक ही सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक लॉ होना चाहिए, एक बेसिक लॉ, एक रूल बुक होनी चाहिए कि मैं जब इन 120 करोड़ लोगों को, अगर मैं इन लोगों को रूल करूंगा तो उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, व्हाट पावर गवर्नमेंट है, ये होना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट विल बिकम आर्बिट्री, कुछ भी कर रही है, जब मर्जी आ रही है, जब कुछ भी कर रही है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट विल बिकम व्हाट, डिक्टेटर या फिर टोटलिटेरियन, इस तरह का हो जाएगा, गवर्नमेंट की जो मर्जी आएगी वो करेगी। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम जब बनेगा तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, गवर्नमेंट के पास क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करता है, राइट, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। ये सब चीजें कहीं लिखी हुई होनी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट अपनी एम्बिट में रहे, उससे बाहर ना जाए, ठीक है। इसी तरह से मतलब एक रूल बुक होनी चाहिए कि इस देश को चलाना है तो कोई एक रूल बुक है अपने पास, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक देश रख दीजिए, राजा की जगह अपन गवर्नमेंट लिख दें, गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, क्या सिटीजन के राइट है, फंडामेंटल राइट्स क्या है सिटीजन के, और क्या सिटीजन की ड्यूटीज है, ठीक है, प्लस क्या एग्जीक्यूटिव के राइट्स है, क्या लेजिस्लेचर के राइट्स है, क्या राइट्स है जुडिशियरी के, जुडिशियरी किस तरह का हो सकता है, किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव का किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, लेजिस्लेचर किस तरह से होगा, उनके क्या क्या अधिकार, ये सब कुछ एक वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और सबको पता होना चाहिए कि भाई सब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुझे, ठीक है, मुझ तक सबको पता होना चाहिए कि हम इस दायरे में बंधे हुए हैं, इस दायरे के बाहर हम नहीं जा सकते, ये एक पर्टिकुलर बेसिक क्या है हमारा, एक लिमिट है, इसके बाद हम नहीं जा सकते बाहर, इसके बाहर जाएंगे तो हम जल जाएंगे, ये लक्ष्मण रेखा है हमारी। अगर इस भारत के अंदर रहना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्यार से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, बताएंगे आगे, ठीक है, इस लिमिट के अंदर आपको रहना पड़ेगा। ना गवर्नमेंट इस लिमिट से बाहर जा सकती है, ना सिटीजन इस लिमिट से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल हो गया, इसको जो भी वायलेट करेगा उसको फिर पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। इसको अगर कोई बाहर जाएगा तो एक तरह से उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, भाई देख यू आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आपको नहीं जाना। तो पहला एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि एक हम हर चीज से, एक चीज से बंधे हुए हैं, और दैट थिंग इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है तो कोई उनको छीन नहीं सकता, गवर्नमेंट उनको छीन नहीं सकती, तुम कहोगे हमको कॉन्स्टिट्यूशन से, हम भी बंधे हैं, तो भाई तुम भी बंधे हो, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बोलता है कि देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर उसमें लिख रखा है अगर फॉलो नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, तो दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आपके मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कुछ चीज गवर्नमेंट की तरफ भी बोल रखी है कि गवर्नमेंट को भी बोल रखे, देखो तुम चाहो तो ये कर लेना, डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हारे। इसी तरह से हमारे ऊपर भी है कि तुम चाहो तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर लेना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हारे। पर कुछ फंडामेंटल राइट्स हमको दे रखे भाई, इनके ऊपर तुम चाहो नहीं चाहो से फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट तुमको ये फंडामेंटल राइट्स देने ही पड़ेंगे। तो एक सिस्टम बनाकर रख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम, एक रूल बुक है जिसने एक तरह से एक स्पेशल लीगल सैंक्शन है उसका, कि इसके बाहर तो साहब हमको नहीं जाना है, सैंक्शन लगाकर रख रखा है, इसके बाहर तो हमको नहीं जाना है। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमको ये समझ में आ गया कि सब एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है,
और हमारा तो बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक लीगल सैंक्शन प्रोवाइड कर रखा है कि लीगल सैंक्शन है कि भाई इसके बाहर हमको, इस एम्बिट के बाहर हमको नहीं जाना, ना गवर्नमेंट को जाना है ना सब सिटीजन को जाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर ये वर्ड आ जाए प्रीलिम्स के अंदर तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी डेराइव करती है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, उससे ही वो पावर डेराइव करेगी, है ना। तो उसके बाहर वो नहीं जा सकती, मतलब हमने गवर्नमेंट को क्या कर रखा है, बांध के रख रहा है कि गवर्नमेंट तुम इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है, ये आपकी लिमिट है, इससे बाहर तुम नहीं जा सकते। दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल। एज वेल एज सिटीजन को भी कुछ बता रखा है कि आपको किस तरह से रहना, हमारी कंट्री किस तरह से है, क्या कंट्री की बेसिक आइडियोलॉजी है, ये भी हमको बता रखा है कि वी आर ए सोशलिस्ट नेशन, हम कोई कैपिटलिस्ट नेशन नहीं है, वी आर सोशलिस्ट नेशन, क्या होता है ये आगे चलकर बताएंगे। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हम कोई कम्युनिज्म नहीं है हमारे अंदर, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी आर सेकुलर कंट्री, हम सब सिटीजन को बता रहे हैं, हम सब सिटीजन आपस के अंदर ही बोल रहे हैं कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमने सोलमली रिजोल्व कराया कि भारत क्या होगा, भारत एक सेकुलर नेशन होगा। तो यहाँ पे कहीं हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ये हम बता रहे हैं, हम सब मिलके ही बता रहे हैं कि इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी के साथ रहना है ना, हमको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल करना है, ये सब हम मिलकर आपस में बता रहे हैं एक दूसरे को कि भाई ये को ऐसे रहना, अपन को इस जगह, ये भारत देश के अंदर, ये जो भारत देश है उसके अंदर हमको इस जगह रहना है। बेसिक आइडियोलॉजी भी बता रहे कि नेशन के बारे में, कि अगर कोई बाहर का कंट्री है, बाहर का लोग आए, बाहर गांव का कोई आया, बाहर देश का, वो बोले कि भाई तुम्हारा देश कैसा, हमने बता दिया, भाई ले पढ़ ले हमारा प्रेम्बल, इससे उसको एक बेसिक आइडिया पड़ जाए, अच्छा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके ऐसा है, तो उसको जिस पांच वर्ड में आधी कहानी तो पता चल गई। फिर नीचे देखा, अच्छा इक्वलिटी भी है, लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी प्रोटेक्ट है, अच्छा ये सब चीजें इसके अंदर, राइट ये उसका एक बर्ड आई व्यू हो गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज प्रीएम्बल। डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीजें, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस तुमको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। अभी मैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपन पूरा पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है अपन को पॉलिटी के अंदर, ठीक है, तो पूरा पढ़ेंगे, बस मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, मैं ये भी नहीं बताया कितने आर्टिकल्स है, ये सब चीजें बाद में बताई जाएंगी, क्योंकि पहली क्लास है तो एक बेसिक आइडिया आपको देना होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर यह है कि गवर्नमेंट जो है दैट इज नॉट आर्बिट्री, वो नहीं कि महाराज की जय हो नहीं बोला तो आपकी गर्दन काट दी, नहीं काट सकते तुम गर्दन, कि महाराज की जय हो बोला तो क्या करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही करना है, अब तुम्हारे मूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट आर्बिट्री नहीं हो सकती, डिक्टेटर नहीं हो सकती, टोटलिटेरियन नहीं हो सकती, यहां पर एक फंडामेंटल बॉडी ऑफ लॉ है, उससे गवर्नमेंट गवर्न्ड है, उससे गवर्नमेंट लिमिटेड है, that is known as what, that is known as constitution, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब दूसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है, अब ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगी, बस मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, पढ़ा तो मेरे को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से, पर पहले एक बेस बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे एक तरह से लीगल सैंक्शन तो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से प्रोवाइड कर रखा है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं, राइट, जिसको स्टेट को फॉलो करना है। अब सर स्टेट का मतलब क्या होता है ये भी मैं तुमको समझा देता हूं, क्योंकि एक बार प्रेजेंस पे यहां पर भी क्वेश्चन हो गया, और स्टेट को एक तरह से ऑर्गन ऑफ स्टेट को फॉलो करना है, तो ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या होता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है, इस लाइन को भी थोड़ी देर में क्लियर कर दूं। अच्छा, इसके अंदर हमने कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी कुछ कुछ ये आशाएं, हमारी कुछ कुछ एक एस्पिरेशंस है, हमारे कुछ 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 आइडियल्स है, इसको हमको फॉलो करना है, यही इसीलिए हम अपना देश चला रहे हैं कि हमारे एम्स और एस्पिरेशन जो फुलफिल हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा आपकी एम्स और एस्पिरेशन जो है पीपल का वो भी उसके अंदर मिल जाएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने ही बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ही बनाया मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया, हमने कहा कि भाई जाओ तुम लोग 10 लोग 12 लोग जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, उन्होंने जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो हमने ही तो भेजा है उनको, हमने ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं हमने, और उससे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बना के बनवाया। तो आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी आर सेइंग दैट आइडियल्स एंड एस्पिरेशन जो है लोगों की भी इसके अंदर होती है। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट विच इज स्पेशल लीगल सैंक्शंस, इट कंटेन प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इट कंटेन्स आइडियल्स और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, इसके अलावा हम कहें
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको बताया, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम फंडामेंटल बॉडी ऑफ लॉ। उसके पास ऐसा नहीं है कि जब खुश है तो उसने बहुत कुछ दे दिया और दुखी है जब पूरी पारिस सारी राइट्स अधिकार ही छीन लिए, ऐसा नहीं है। एंड लीगली लिमिटेड इन इट्स पावर फॉर द सेम, और लीगली लिमिटेड है कि उसके पावर को। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन का एक थोड़ा सा एक पिक्चर मैंने आपको दिया, ठीक है। अब यही चीज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 or 5 क्लासेस के बाद आगे चलकर हम यही चीज डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहां पर कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे एक टर्म होता है स्टेट, कि सर स्टेट का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकल डायमेंशन में स्टेट को क्या बोलते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई चार चीजें होनी चाहिए। कोई भी कहेगा भाई इंडिया इज ए स्टेट, तो उसके अंदर उसका मतलब उसके अंदर चार चीजें, एक तो वहां की पॉपुलेशन, वहां के रहने वाले लोग, मतलब पॉपुलेशन। ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब हमने जब पढ़ाया था उसके बाद ही पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जो अभी मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, आप किसी से पूछना व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, आप लोग कर रहे होंगे, तो इतने अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट में उसको बता नहीं पाएगा। क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अभी सब पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते, वीकली टेस्ट के अंदर सब आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा होता है पॉपुलेशन, दूसरा होता है स्टेट, सॉरी। स्टेट के अंदर चार एलिमेंट्स है, हाँ, स्टेट के। स्टेट हैज 4 एलिमेंट्स विद इट। क्या चार एलिमेंट है? सबसे पहला एलिमेंट जो है दैट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या। कि बिना जनसंख्या का काई का स्टेट, कि भाई जनसंख्या ही नहीं है, पॉपुलेशन ही नहीं है, तो फिर काई का स्टेट होगा। तो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज पॉपुलेशन, ठीक है। पहला जो है दैट इज पॉपुलेशन, सेकेंड जो है दैट इज टेरिटरी, थर्ड जो है दैट इज गवर्नमेंट, और फोर्थ जो है दैट इज व्हाट, दैट इज योर सोवरेनिटी, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, देन आई विल बी बैक, ठीक है। अभी आप रिकॉल करिए अपने क्या क्या पढ़ा है, सब दिमाग के अंदर वही चलाते रहे, बाहर मत आ जाने इस सीन से, सब दिमाग के अंदर वही चलाते रहे क्या क्या पढ़ने इसके अंदर पढ़ा है, ठीक है। जस्ट गिव मी ब्रेक ऑफ 1 मिनट। Yes, ठीक है। तो हम आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, किसी को कोई भी डाउट हो तो ये देखा ना आस्क मी। अच्छा, एक चीज और है कि क्लास इज वेरी वेरी डेमोक्रेटिक इन इट्स नेचर, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि यू कैन आस्क एनी डाउट एनी टाइम, है ना, ये बताना मैं भूल गया था। कभी भी कोई भी डाउट हो तब पूछना है तुम्हें। घर पे डाउट लेके जाओगे मतलब तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। कभी भी कैसा भी डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। वो डाउट अगर मैं उस वक्त सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो कर लूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे कर दूंगा कि भाई आगे चलकर ये डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। बिकॉज
अभी मैं तुमको सब कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता एक साथ, है ना। तो बेसिक आइडियोलॉजी अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप पूछे कि सर आर्टिकल्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या इस आर्टिकल में क्या लिखा है, तो ये चीज अभी नहीं बता सकता, तो मैं कह दूंगा तुमको बाद में, राइट। पर कोई भी चीज जो अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभिषेक प्लीज आस्क द डाउट। अभिषेक, तो पहला पॉइंट अभी आपने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स विच हैज स्पेशल लीगल सैंक्शन, ये मतलब पब्लिक पॉपुलेशन मतलब सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों के लिए बताया ना आपने, दोनों के ऊपर है। ठीक है कैसा नहीं कि सिटीजन बाहर चला गया कॉन्स्टिट्यूशन से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर जो, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर ऐड कर रहा है, आर्बिट्री बनने का जो होता है गवर्नमेंट का होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गवर्नमेंट वर्ड अपन ऐड करते हैं, उसमें गवर्नमेंट एंड सिटीजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एनी मोर डाउट्स? देखो ये बहुत बहुत बेसिक है, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो उनको तो पता है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये समझिए बिल्कुल डेमोक्रेटिक रखनी है क्लास को। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मुंह पे उंगली रख के बैठे रहो, है ना। फर्स्ट क्लास का डिसिप्लिन नहीं बता रहा मैं आपको, आपको पूछना है। पर डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको बताया था, वो चार पांच डेफिनेशन है, वो मेरा थोड़ा सा रहता है, उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं बहुत ही सीरियस होकर बैठ गए तुम, बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठ गए, ठीक। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी, ये चार चीजें होती हैं, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट के अंदर देखेंगे चार एलिमेंट्स विल बी देयर। पॉपुलेशन मतलब उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि एक ही आदमी है उसके अंदर, ठीक है, कोई जनसंख्या ही नहीं है, राइट। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक, कुछ भी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है पॉपुलेशन, 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। एक आदमी रहेगा तो खुद के लिए रूल बनाना, खुद ऐसा नहीं, पॉपुलेशन होनी चाहिए कुछ। दूसरा होना चाहिए कि उसकी कोई टेरिटरी होनी चाहिए, कि भाई हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की एक टेरिटरी है पर्टिकुलर, कि यहां से लेकर यहां तक इंडिया का ये है, इंडिया की एक टेरिटरी है, ये होना चाहिए, मतलब उसका टेरिटरी होना चाहिए। दूसरा, स्टेट कब कहलाया जाएगा, कि अगर ऐसा नहीं कि भाई हवा में हो कि मैं राजा हूं, ठीक है, कौन सी टेरिटरी है तुम्हारी, कुछ टेरिटरी नहीं है, ठीक है, कौन पॉपुलेशन है, कुछ नहीं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, स्टेट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक, गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है। मान लो पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, जैसे कि हम कहें कि लगान मूवी के अंदर आपने देखा होगा एक राजा था, राजा की पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसके अंदर टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी, राजा था, पर सारे डिसीजन कौन लेता था, कैप्टन रसन लेता था, मैंने लगान मूवी में आपने देखा होगा, मतलब राजा तो था पर उसके पास सुवरेंटी नहीं है, है ना, उसके पास सुवरेंटी नहीं है। अगर सुवरेंटी नहीं है तो उसको स्टेट नहीं बोलेंगे, फिर राजा को ऐसे नहीं बोलेंगे, बस नाम का प्रिंसली स्टेट बोल देते थे उसको, पर वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है कि वो एक स्टेट हो गया, समझ आ रहा है। तो सुवरेंटी होना जरूरी है, कि सुवरेंटी का मतलब क्या है, कि जब भी आप इंटरनल डिसीजन लें, सुवरेंटी का मतलब क्या होता है, देखिए सुवरेंटी इज अगेन ऑफ टू टाइप, वैसे तो हम डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे, देन व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्रीएम्बल, सुवरेंटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पर सुवरेंटी यहां पर अगर हम देखें तो दो तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल सुवरेंटी और एक होती है एक्सटर्नल सुवरेनिटी। इंटरनल सुवरेनिटी मतलब कि ये मान लीजिए गवर्नमेंट है, राइट, तो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करे, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करे, तो ये कोई रूल ही रेगुलेशन नहीं मान रहे मान लीजिए सिटीजन, तो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऊपर कह रहे हैं कि तुम ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंटरनल सुवरेनिटी का मतलब कि व्हेन गवर्नमेंट इज सेइंग सर्टेन लॉज, कुछ लॉज गवर्नमेंट बना रही है, तो इन लोगों को ये लॉ फॉलो करने हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल सोवरेनिटी। जिस दिन लोगों ने ये कह दिया कि भाई हम तुम्हारे लॉ फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे सिंहासन खाली करो, ठीक है, इस टाइप का कुछ चीजें हो गया, तो मतलब इंटरनल सोवरेनिटी वीक पड़ गई, गवर्नमेंट का इंटरनल कंट्रोल जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करने का प्रिंसिपल्स है, वो कमजोर पड़ गए, जिसके अंदर ये है कि सिटीजन को फॉलो करेंगे, वो चीज कमजोर पड़ गई। तो इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरनली सोवरेन है कि नहीं है, ये समझ में आ रहा है, कि मतलब लोगों से। अब सोवरेनिटी बहुत डायमेंशंस में मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, अभी बस सिर्फ एक बेसिक आइडिया, अगेन आई एम गिविंग यू द बेसिक आइडिया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब, एक्सटर्नल सोवरेनिटी मान लीजिए हम इंडिया जो है वो रशिया से कोई डील साइन कर रहा है, उसके अंदर अमेरिका आके उछल उछल के पड़ रहा है कि भाई नहीं मत करो, जैसे अमेरिका कह रहा है कि रशिया से ऑयल मत खरीदे, है ना। तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब कि व्हेन वी आर एस्टैब्लिशिंग फॉरेन रिलेशन विद अदर कंट्रीज, देन वी आर विद अवर ओन, ठीक है, हम फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कोई दूसरा आकर हमसे नहीं बोल सकता कि भाई ऐसा करो ये करो, ऐसा नहीं। तो यहां पर हम सब जब ऐसा बोलें कि भाई इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सोवरेन कंट्री, इसका मतलब क्या है, इंडिया के अंदर इंटरनल सोवरेनिटी भी है एज वेल एज एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी है, ठीक है। तो कोई भी होगा स्टेट, कि मैं स्टेट हूं, कोई स्टेट बोले कि, कोई बोले कि भाई इंडिया इज ए स्टेट या अमेरिका स्टेट, तो उसके अंदर एक चीज होगी पॉपुलेशन होनी चाहिए,
टेरिटरी होनी चाहिए, सुवरेनिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये चार एलिमेंट, इस चार एलिमेंट के अंदर कहीं मिल जाएंगे चार एलिमेंट, 1 2 3 4, ठीक है, ये इस तरह से मिल गए चार एलिमेंट। तो ये जो सिस्टम होगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्टेट। इसको अपन स्टेट बोल देंगे, इसको अपन स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एज वेल एज सुवरेनिटी। पीटीजीएस इस तरह से याद करोगे, प्रीलिम्स टेस्ट जनरल स्टडीज, ठीक है, जो भी चीज रटने की होगी बता देंगे, समझा भी दे देंगे ऐसे, और इस तरह से ट्रिक से याद भी करवा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये ट्रिक है, पीटीजीएस आप कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा स्टेट, ठीक है सर, स्टेट का मतलब समझ में आ गया। अब सर आपने एक चीज और बताई कि देखो हमने यहाँ पर डेफिनेशन बनाई तो हमने एक स्टेट बोला था, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट हो गया। अब एक सर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है? तो देखिए हर गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऑर्गन जैसे हमारे बॉडी के अंदर है, हाथ है हमारा, सिर है, पैर है, ये ऑर्गन्स है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जब वर्क करेगी तो उसके भी ऑर्गन्स होने चाहिए, है ना, उसके भी अंग होने चाहिए, ऑर्गन मतलब अंग, ठीक है, कि भाई मैं अब मेरे कोई अंग नहीं है तो मैं किस काम करूंगा, काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट जब वर्क करेगी, गवर्नमेंट जब कहेगी कि मेरे को लॉ बनाना है तो उसका कोई अंग होना चाहिए जिस जो कि लॉ बना सके। गवर्नमेंट कह रहा है कि मैंने लॉ बना दिया, अब मेरे को लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहिए तो उसका कोई अंग होना चाहिए जो कि उसको इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। जैसे हाथ है, अगर हमको कुछ खाना है तो हम हाथ से उठा लें, कुछ उठाना है तो हाथ से उठा लेंगे, चलना है तो पैर चल लेंगे, मतलब लॉ बनाना है तो एक ऑर्गन होना चाहिए, जैसे हाथ से उठाना है तो एक ऑर्गन है हमारे पास हाथ, वैसे गवर्नमेंट के पास भी एक ऑर्गन होना चाहिए, लॉ बनाना है तो हमारे पास लेजिस्लेचर इज ए ऑर्गन, ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो गया, कि एक ऑर्गन हो गया लेजिस्लेचर, सही बात है सर, एक लेजिस्लेचर हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेसिक से चलो, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बेसिक से हार्ड में कैसे जाते हैं तुमको सब समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे। दूसरा आ जाएगा कि भाई मैंने लॉ बना दिया, सब इसको एग्जीक्यूट करना है, लोगों के अंदर इंप्लीमेंट करना है इस लॉ को, तो एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव्स। तीसरा ये हो गया कि साहब कि लॉ को इंटरप्रेट करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एग्जीक्यूटिव एक्शन का करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी लॉ को इंटरप्रिटेशन जब करना होता है तो एक आ जाता है जुडिशियल, ये बताएगा कि भाई तूने लॉ बनाया ना गलती से कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बना दिया, वापस बना एग्जीक्यूटिव, अरे तूने एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के दे दिए, अपनी सीमा है भाई याद रखो, है ना, जुडिशरी ये दिखाता है। तो जुडिशरी इज द वन हु इंटरप्रिटेट द लॉ, लॉ एडजुडिकेशन, ठीक है, अगर किसी ने लॉ फॉलो नहीं करा तो कहां जाओगे, जुडिशरी पे जाओगे, एडजुडिकेशन इसको। इसके लिए हमारे पास अलग अलग तीन ऑर्गन्स है और इन सब की पावर अलग अलग, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इस तरह से हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम कहें कि एग्जीक्यूटिव के अंदर भी अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब सबको समझ में आ गया, स्टेट एस फोर एलिमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, ये भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का काम करना हो उसका ऑर्गन होना चाहिए कुछ, लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम, मेरे हाथ जैसे उठाने का काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट लॉ बनाने का, लेजिस्लेचर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी इंटरप्रेट कर रहा है और लॉ को एडजुडिकेशन कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं तुमको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, है ना, ये आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक चीज ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर जो होते हैं ना, ठीक है, लेजिस्लेचर, जैसे हम बात करें अमित शाह की, अमित शाह जी क्या है, हमारे सर होम मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर है सर हमारे, ठीक है, ये ध्यान दो। पर जब वोटिंग होती है, लॉ मेकिंग जब होती है तब लॉ मेकिंग के अंदर भी बैठते हैं, लॉ मेकिंग भी करते हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग के अंदर, लॉ के अंदर जब लॉ बनता है तो उसके अंदर वोटिंग करते हैं ना अमित शाह जी करते हैं। पर अगर मान लीजिए सर कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री के हेड है, इनके नीचे पूरा सेक्रेटरीएट है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीएट है पूरा का पूरा, उसके नीचे पूरे पूरे ऑफिसर्स है, तो एक तरह से यहां पर जो भूमिका निभा रहे हैं अमित शाह, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉ को, और यहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो वोटिंग कर रहे हैं तो लॉ मेकिंग कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का एक फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो ही लेजिस्लेचर है, ठीक है। पर अब इस चीज को कैसे डिटेल के अंदर पढ़ाना है वो आपको थोड़ा सा बाद में, ठीक है, क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, किस तरह से कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है दे आर व्हाट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, किस तरह से ये चीजें होती है, ये सब चीजें आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, थोड़ा हाई लेवल की चीजें, चलो ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम कर रहा है, अमित शाह जी काम कर रहे हैं,
सिर्फ लॉ मेकिंग तो करते नहीं, राहुल गांधी सिर्फ लॉ मेकिंग कर रहे हैं क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है, उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री मतलब एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव, राहुल गांधी के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बटन दबाएंगे, सब ये डिबेट डिस्कशन करेंगे, बटन दबाएंगे कि भाई यस और नो, हमेशा पर बटन नहीं दबाएंगे, वो भारत के होम मिनिस्टर है तो वो कुछ कुछ ना कुछ लॉ फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, मतलब लॉ को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, कोई लॉ का ड्राफ्ट भी बना सकते हैं कि क्या ड्राफ्ट है, उसके ऊपर जाकर वो फिर राहुल गांधी उसके ऊपर बटन दबाएंगे ड्राफ्ट के ऊपर, फिर वो बिल बनेगा, फिर एक्ट बनेगा, ये सब प्रोसेस है, बहुत डिटेल में प्रोसेस है, डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव वो भी होते हैं, जैसे मैं अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, ठीक है, तो मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं लॉ का, आप लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो यूर एग्जीक्यूटिव, सुन रहे। अब अमित शाह जी तो 5 साल के लिए बने होम मिनिस्टर, मैं अगर आईएएस बना ना सर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी 5 साल के लिए बने, पर मैं आईएएस बना तो मैं हर दिन हमेशा के लिए बना रहूंगा, जब तक 60 साल का नहीं हो जाता, रिटायर नहीं हो जाता, तो मैं तो एक फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव हो गया सर, और अमित शाह जी तो ही एक टेम्परेरी टेम्परेरी आदमी, ठीक है। टेम्परेरी कैसे, टेम्परेरी कैसे, सारे मिनिस्टर टेम्परेरी है, कि कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट है वो चले जाएंगे, कांग्रेस के मिनिस्टर से कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी हो गए, पहले कांग्रेस के मिनिस्टर थे बहुत टेम्परेरी हो गए, सब चले गए। तो मैं समझ रहे, एग्जीक्यूटिव्स आर टू टाइप्स, कि एक तो टेम्परेरी हो गया और एक परमानेंट हो गया, परमानेंट जैसे सिविल सर्वेंट फिक्स टर्म के लिए है, ये भी एग्जीक्यूशन के, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स टेम्परेरी और परमानेंट, तो इसलिए आप प्राउड फील करो कि जब तुम सिविल सर्वेंट बनोगे तो यू आर ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सिस्टम के परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, वो तो आएगा जाएगा, मिनिस्टर तो आएगा जाएगा, तुम कह सकते हो, है ना। आपने कई मूवीज में डायलॉग भी सुना होगा कि भाई तू तो सिर्फ 5 साल के लिए, मैं तो हमेशा के लिए हूं यहां पर, एग्जीक्यूटिव को इस तरह से आप कह सकते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं परमानेंट भी होते हैं। कभी कभार इन्हीं छोटी छोटी चीजों में से बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर का वेस्टेज हो जाता है, बस दिस इज क्लियर टू, ठीक है। अब नेक्स्ट इज जुडिशरी, इंटरप्रेट करता है लॉ का जुडिकेशन करता है, व्हेनेवर देयर इज एम्बिग्युटी इन द लॉ, तो लॉ को क्लियरली बताता है कि क्या है लॉ का मतलब, ठीक है। लॉ अगर मान लीजिए एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आ रहा है तो उसको फिर नलीफाई कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, कि लोगों को कोई परेशानी होती है, दो लोग आपस में लड़ लेते हैं तो जुडिशरी उसको जस्टिस देता है, ये काम जुडिशरी का है, ठीक है, ये काम जुडिशरी का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज व्हाट, कि हमने ये पढ़ा कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है सर, अब अगर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है। फिर हमने देखा सर स्टेट क्या होता है, पीटीजीएस, ठीक है। फिर हमने देखा ऑर्गन ऑफ स्टेट क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और तुमको डायरेक्टली मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब चलो वापस से इस चीज के ऊपर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखो अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, अगर हम मेजोरिटी ऊपर ऊपर से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साहब दो चीजें हैं, एक चीज है कि फिलोसफी, ठीक है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, एक गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, एक ये है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि कौन कैसे इलेक्ट होगा, किसको क्या काम करना है, किसको क्या करना है, ये सब चीज। और उसके पीछे, इन सब के पीछे गवर्नमेंट एस्पेक्ट को समझने से पहले आपको उसकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या आप बन गए, आप कहीं चले गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग गए, आपको ये काम करना था, एक काम बता दिया आपको प्रोसीजर, ये प्रोसीजर, पर उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैल्यू सिस्टम है ये तो समझना पड़ेगा आपको, तभी एक अच्छे एम्प्लॉय कहलावा पाओगे आप। उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्स एंड एस्पिरेशन क्या है ये तो समझना पड़ेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या डायमेंशन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है, क्या सोचता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एज ए ओवरऑल क्या है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सोशलिज्म की तरफ जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है, लोगों की सेवा करना है, ये कैसा है, क्या है, उसके बेसिस पे ही तो आप काम करोगे। वेन यू आर वर्किंग इन एनजीओ एज ए एम्प्लॉय और वेन यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी, यू आर ए डिफरेंट पर्सन, ठीक है। एनजीओ में अगर तुम काम कर रहे हो एम्प्लॉय की तरह और एक प्राइवेट कंपनी में, तो उसके क्योंकि दोनों की फिलॉसफी अलग है, समझ रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब तुम काम करोगे, जब तुम गवर्नमेंटल एस्पेक्ट पढ़ोगे, तो उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई इसकी फिलॉसफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या इसका आइडियोलॉजी है, आइडिया क्या है। एक बड़ा जो आइडिया होता है गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, तो ठीक है ये प्रोसीजर्स बता दिया आपने, इसका एक आइडिया क्या है, दैट इज नोन एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट।
और बच्चों सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं, हम इसको आइडिया को तो पढ़े नहीं पहले, और हम सीधे सीधे गवर्नमेंटल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं कि सब गवर्नमेंटल एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ऑल्स, ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो एक और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अलग नाम से हैं जिनका नाम है नहीं, राइट। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3 इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, और कुछ बच्चे हैं जो बिना नाम के हैं, राइट। तो ओपो जैसे है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आए ना तो अपना नाम थोड़ा लिख कर आए, ठीक है, घर वालों ने एक नाम लिखा है, ठीक है, उस नाम को रखें जिससे हम अटेंडेंस ले सकते हैं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अटेंडेंस ले लें हम, अटेंडेंस हो गई है आपकी, आज की भी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लें, और अटेंडेंस लेने के बाद हम क्या कर लें कि उसको फिर हम देखेंगे कि आपका रिकॉर्ड क्या है मेंटेनिंग के लिए। तो आप सभी बच्चे नाम से आए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समझ गया, फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया और गवर्नमेंटल एस्पेक्ट। और फिलोसफी का मतलब क्या हो गया सर? फिलोसफिकल एस्पेक्ट मतलब क्या होगा? फिलोसफी एस्पेक्ट मतलब जैसे फ्रेमवर्क कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेनिटी क्या है ये समझना, फिलोसफी, इसकी फिलोसफी समझना, थॉट समझना। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता क्या है सर? आज तक ये समझ में नहीं आया, सोशलिस्ट क्या होता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर क्या होता है ये समझना। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी होता क्या है पहले बताओ। डेमोक्रेसी तो सर अमेरिका भी है, डेमोक्रेसी तो सर पाकिस्तान भी है, डेमोक्रेसी तो हिटलर का जर्मनी भी था। हम कैसे डेमोक्रेसी है वो हमको समझना, हमारी आइडियोलॉजी। हम कैसे सेकुलर है? सेकुलर तो सर फ्रांस भी है, वहां तो बुरका भी बैंड है, पर कैसा सेकुलरिज्म? हमारा सेकुलरिज्म अलग है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलग है हमारा। तो हम कैसे सेकुलर है, हम कैसे डेमोक्रेटिक है, हम कैसे रिपब्लिक है, समझा ना, हम कैसे सोवरेन है ये समझना। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आइडियोलॉजी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से अधिकार हमारे फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है, ये फिलोसॉफी है, ये हमारी फिलोसॉफी है कि हम फंडामेंटल राइट्स आपको दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारी फिलोसॉफी है। ये कोई गवर्नमेंटल एस्पेक्ट थोड़ी ना है कि किसको कैसे काम देना है, किसको क्या करना है, किसको ये करना है, कौन कैसे इलेक्ट होगा, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी एक हमारी आत्मा है, डीपीएसपी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जिसके अंदर बताने कि भाई साहब आपको ये करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा है कि स्टेट, डियर स्टेट मैं तुमको कुछ डायरेक्टिव्स दे रहा हूं कि ये करना, करना मत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो आगे पढ़ेंगे डीपीएसपी होता क्या है डिटेल के अंदर, 36 से लेकर 51 आर्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, दैट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट एक तरह से ऐसा है कि साहब फिलोसफिकल एस्पेक्ट विल क्रिएट अ आइडिया, एक आइडिया समझेंगे, तो हमारा आइडियोलॉजी एक आइडिया, बेसिक आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया आपको देगा, और उस फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बेसिस पे फिर आप गवर्नमेंटल एस्पेक्ट समझोगे। अब आयरनी ऐसी है कि आपको पढ़ाया जाता है पहले गवर्नमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, ये तो आपको समझ में ही नहीं आया और आपको ये समझाने लग गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम क्या है ये नहीं हो, आपको सीधे जॉब पे लगा दिया और काम कर रहे हो, तो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन सकते। तो अगर इस चीज को अच्छे समझना है गवर्नमेंटल एस्पेक्ट की, ये क्यों है ऐसा, यूनियन गवर्नमेंट ऐसी क्यों है साहब, ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है, ये तीन थ्री टीयर क्यों है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ये क्यों है, ये समझना है तो तुम्हें पहले आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। इसके अंदर ऐसी सी पावर क्यों है सर, ये समझेंगे जब, नहीं तो फिर रट लो, रटना भी एक ऑप्शन है, उसके अंदर से कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं तुम्हारा क्योंकि प्रीलिम्स पूरा पूरा कंसेप्ट चल हो चुका है, रट लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रटने में कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझिए जो गवर्नमेंटल एस्पेक्ट है उसको समझने के लिए पहले आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट समझना, और इन सभी चीजों को समझने से पहले आपको जो समझना पड़ेगा दैट इज व्हाट, दैट इज योर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर तुम्हारी कंप्लीट नॉलेज बनेगी बच्चों, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम पुराने से नहीं कि एंशिएंट टाइम में जाकर समझे कि कैसी पॉलिटी हुआ थी, वो नहीं करना, वो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, वैसे भी नहीं कि हमारे राजा महाराजा कैसे थे, वो नहीं करना क्योंकि उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट नहीं कर रहा है कि राजा महाराजा से किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो। हाँ एक डायमेंशन है जिसने हमको 200 साल रूल करा है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एम्पायर, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने, उसके ऊपर साफ बातचीत बनती है, और अभी हम चार क्लासेस में उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे।
अच्छा ये चार क्लास में जो बातचीत होगी, ऐसा नहीं मैं तुमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीजें ही डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। मैं तुम्हें सिर्फ उतना बताऊंगा, देखो जिसका जितना समय होता है ना उतना ही बताया जाता है, मैं तुम्हें सिर्फ उतना बताऊंगा जितना कि तुम्हें रिक्वायरमेंट है पॉलिटी समझने के लिए। और यहां से तुम्हें समझो कि एक सब्जेक्ट को कैसे इंटरलिंक किया जाता है, कि भाई आज का कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए मेरे को ब्रिटिशर्स की डायमेंशन समझनी पड़ रही है, ऐसे पढ़ना चाहिए, तब जाकर आपको इंटरलिंकिंग होता है। जो इंटरलिंकिंग मैं बोला हूं पहली लाइन के अंदर वो ये है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, मजे से पढ़ो। देखो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि तुम कोई पाप कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा उदास होकर पढ़ रहे हो भाई ये पढ़ना पड़ेगा, तो फिर नहीं होगी पढ़ाई। इंटरेस्टिंग बनाओ स्टडीज को, और इंटरेस्टिंग तभी बताइए जब नॉलेज मिलती है ना, सबको मजा आता है नॉलेज के अंदर, सबको मजा आता है। बच्चों छोटे बच्चों को ज्ञान की बात, ज्ञान में सबको मजा आता है, पर वो ज्ञान सही होना चाहिए और ज्ञान एक कंसेप्चुअल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रटा रटा ज्ञान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ज्ञान से क्योंकि आपको कुछ नई चीज मिल रही है, समझो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज गेन करना हर कोई चाहता है, पर नॉलेज कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साहब रट के इधर का उधर का करके, ये चीज नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, तब जाकर नॉलेज का मजा है। तो फिर ओपिनियन बेस्ड नॉलेज होगी तो फिर उसको नॉलेज नहीं मान, फिर तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको पढ़ना पड़ेगा और इसको हमको जाना पड़ेगा भाई 200 साल पहले, 300 साल पहले, और इनफैक्ट 400 साल पहले हमको जाना पड़ेगा 1680 के अंदर। तो हुआ क्या था ये समझते हैं अपन, कि भारत के अंदर यूरोपियंस आए उसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमको रूल करा और उन्होंने हमको पॉलिटी, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एडवेंट बताएंगे, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, ठीक है, ये सब के सब हम इसके अंदर बताएंगे पूरे डिटेल के अंदर, राइट, फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ब्रिटिशर्स के ऊपर कंसंट्रेट करके, हमको बस इतना समझना है कि वो किस तरह से क्या आइडियोलॉजी लेकर आए थे, किस तरह से रूल करके गए और उनका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, यहां तक आने पर इसके अंदर में मेरे को कम से कम 3 या 4 क्लासेस चाहिए। अच्छा पॉलिटी जो सेशन होगा, ठीक है, वो आपका फिफ्थ से पहले खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, डेली की क्लास होंगी, बस एक बीच के अंदर एक गैप आएगा 25 और 26 का, बिकॉज यहाँ पर कुछ I am out of station 25 or 26, जिसमें भी हम कोई क्लास तो लेने की कोशिश करेंगे, बाकी कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है, तो बाकी कोई संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि अब टाइम आ गया है भाई, पढ़ने का ही टाइम आ गया तो पढ़ने के, ठीक है, और फिर फिफ्थ तक ट्राई करेंगे, नहीं तो टेंथ तक कर लेंगे, कोई ऐसा हमको ऐसा शेड्यूल नहीं, मैंने इसीलिए शेड्यूल नहीं करके सब इतने दिन तक इतने में ऐसा कुछ नहीं दिया है भाई, कुछ चीजें ज्यादा भी बतानी पड़ जाती है, कुछ चीजें कम भी बतानी पड़ जाती है, ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, मतलब कि हम अगर हम देखें 5 तक मतलब हो जाएगा अपने 40-45 क्लासेस के अंदर, नहीं तो 50 क्लासेस के अंदर तो खत्म हो ही जाता है प्रीलिम्स का पॉलिटी, है ना, तो वो चीज अपन देख लेंगे, राइट, और कुछ कुछ चीजें जो होंगी वो पॉलिटी के अंदर मैं तुमको लास्ट में पढ़ाऊंगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गवर्नेंस का पार्ट ये, क्योंकि आपको रटना होता है, ये रटा हुआ चीज आपको वहां तक जाना होगा, राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, अभी तक तो अपने जनरल चले पड़ा, देखो क्या होता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अधिष्ठान है इसका लोगो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जो लोगो है ये वाला लोगो, ये अधिष्ठान है इसका, वैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जिसका ये लोगो है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो क्या है, एक तरह से कंपनी है ना, कंपनी मतलब जैसे प्राइवेट एंटरप्राइज, जैसे अधिष्ठान है जैसे कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कंपनी, कहां पर थी, ब्रिटेन में थी, अच्छा सर बहुत सारी और भी कंपनीज होंगी, हाँ बहुत सारी कंपनीज थी, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, एक मतलब कंपनी मान लीजिए एक्स कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं उसको एक्स कंपनी मानते हैं, एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, एक जेड कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। अब यहां पर उस वक्त क्या था, उस वक्त ये चीज फैल गई थी कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर हमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को लेकर, रिसोर्सेस को लेकर अमीर बनना है, ठीक है, एक तरह से कैपिटलिज्म उस समय स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरह से स्टार्ट हो गया, तो 1680 के अंदर जहां पर उस वक्त एक जो क्वीन, वहां पर क्वीन का राज चलता था, ठीक है, और वो है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ एक कंपनी जो होती है ना, इन सभी कंपनी में से एक कंपनी को चुनती है कि भाई तेरे को हमने चुना है, यू आर द मसीहा, ठीक है, तुमको हमने चुना है, और इससे बोलती है कि तुम जाओ और ईस्ट कोस्ट के अंदर जाकर, ईस्ट की तरफ जाकर, ईस्ट की तरफ जाकर, है ना, ईस्ट की तरफ जाकर वहां पर जाकर तुम ट्रेड करो। वाई बोलेगा साहब मैं भी जाऊंगा, बोले नहीं नहीं वाई तुम नहीं जाओगे, जेड बोलेगा मैं जाऊं मैडम,
बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगे, एबीसी किसी को नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, टाटा की है, अडानी अंबानी, ठीक है, ये सब चीजें। तो अंबानी को बोल दिया कि भाई अंबानी तुम जाकर जाओ, अडानी बोला मैं जाऊं कि नहीं नहीं तुमको राइट नहीं। इनको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया कि तुम जाकर ईस्ट के अंदर जाके, ईस्ट डायमेंशन के अंदर जाकर, ईस्ट के अंदर, उसका ईस्ट मतलब इंडिया और ये अफ्रीका और इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाकर तुम क्या करो, तुम ट्रेड स्टार्ट करो, ट्रेड करो तुम साथ जाकर। और इनको किसी को बोला नहीं, इनको कोई राइट नहीं दिया ट्रेड करने का, इनको कोई भी राइट, ये बिल्कुल डायमेंशन समझ ले 1813 का जब चार्टर एक्ट पढ़ेंगे ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करा, इनको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया कि 15 साल के लिए तुम जाओ और 15 साल के लिए वहां पर जाकर ट्रेड करो, ईस्ट के अंदर जाकर ट्रेड करो, एशियन कोस्ट के अंदर, अफ्रीकन कोस्ट के अंदर जाकर ट्रेड करो। इन्होंने बोला ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, आपने हमको चूज करा। और तुमको क्या बोला जाएगा पता है, तुम क्योंकि ईस्ट में जा रहे हो, ईस्ट और ईस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के अंदर जा रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हें बोला है, तुम्हारा नाम चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी हम रख रहे हैं, जाओ और जाके ट्रेड करो, मस्ती से करो, 15 साल तक ये कोई नहीं आएगा, तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, ब्रिटेन की तरफ से कोई कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारा, वाई जेड अडानी अंबानी, अडानी रतन टाटा, ये सब कुछ नहीं है, अंबानी तू जा भाई और तू जाकर ट्रेड करो उधर, मस्ती से कर ट्रेड, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे यहाँ पर, ब्रिटेन वाले तो नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं ठीक है समझाते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगा वो चला जाएगा कहां पर, और इनको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा 15 साल का कि 15 साल तक तुम ट्रेड कर सकते हो, सुंदर है। तो यहां पर देखिए, इन 1600 AD द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड अ चार्टर टू ट्रेड इन द ईस्ट, कि ईस्ट के अंदर ट्रेड करो तुम, और तुम ही ट्रेड करो और कोई नहीं ट्रेड करेगा, और जो कंट्री कंपनीज है वाई जेड एबीसीडी ईएफजीएच वो कोई ट्रेड नहीं करेगी, तू ही जा भाई, तेरा कॉम्पिटिशन हमने यहां पर चार्टर के साथ ही तेरा कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया हमने, कोई तेरा कॉम्पिटिटर है नहीं। The company obtained exclusive right to trade with India for the what? For the 15 years. 15 years तक, 15 साल तक तू आराम से ट्रेड कर, तो आराम से जी, जी ले अपनी जिंदगी, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। तो क्या बोल रही है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वीन एलिजाबेथ बोल रही है कि आई एम गिविंग यू द चार्टर, गो टू ईस्ट एंड ट्रेड एंड डू ट्रेड, और ये चार्टर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली तुमको दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम लोगों को हमने दिया है। अब ये धीरे धीरे जाकर वहां पर ट्रेड करने लगे, ठीक है, अब धीरे धीरे जाकर ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड कर रहे हैं तो वहां के, वहां पर जाके देख रहे हैं तो वहां पर हमको जहांगीर मिल रहे हैं, ठीक है, फिर वहां पर आगे जाके औरंगजेब मिलेंगे, ठीक है, और ये सब चीजें इस तरह से वहां पर चल रहा है, ठीक है, मुगल एम्पायर वहां पर चल रहा है। तो वहां पर आराम से मस्ती से ट्रेड कर रहे हैं, हाँ ठीक है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करके इनके एक तरह से लॉयल बनकर वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। अब कैसे लॉयल बना, किस महाराज के पास गया, कैसे हुआ, वो अपन को बात। अच्छा, पर एक ये हो जाता है कि 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगा तो मुगल एम्पायर थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया, मुगल एम्पायर थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया, और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग जाएगा तो बहुत सारे सूबेदार जो थे, कि मुगल एम्पायर ऐसा बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, पूरे भारत के अंदर, तो बंगाल के अंदर जो उसका बंदा बैठा होगा मुगल एम्पायर को, सोचेगा भाई ये तो डिक्लाइन हो गया, मैं अपना इंडिपेंडेंट बन जाता हूँ, इसके मन में लड्डू फूटेगा, हैदराबाद वाले के मन में लड्डू फूटेगा, मैसूर वाले के मन में लड्डू फूटेगा, पंजाब वाले के मन में लड्डू फूटेगा, और एक लड्डू किसके अंदर फूटेगा, एक लड्डू ब्रिटिशर्स के अंदर भी फूटेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस कंपनी वालों के अंदर, कि यार इतना बड़ा एम्पायर इनका खत्म हो रहा है, अभी वैक्यूम क्रिएट होगा तो मैं भी घुस जाऊं यहां पर कहीं। और भाई अगर ट्रेड किसी को करना है, अगर मान लो मेरे को ट्रेड करना है कहीं से, तो अगर उस कंट्री का लॉ ऑफ लैंड मेरे हाथ में हो जाए फिर तो क्या ही बात, मैं उसको अपने हिसाब से, लॉ को अपने हिसाब से मोल्ड कर, मेरे को ऐसे बोल दे कि सामने ट्रेड करने जा रहा हूं भाई, बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं पता है क्या चीज मानूंगा, एक चीज मैं बोल तुम्हारी इच्छा पूरी करें, जिन आ जाए मेरे सामने, बोले कि तुमको क्या चाहिए, तुम ट्रेडर बनकर आओ, बिजनेसमैन, तुम्हें क्या चाहिए, मैं कहूंगा साहब मुझे ना इस कंट्री का लॉ ऑफ लैंड दे दो। बोले क्या राज करना है, नहीं राज नहीं करना, हमें राज नहीं करना, हमें ट्रेड ही करना है, पर ट्रेड जब हम करेंगे ना तो उस लॉ ऑफ लैंड को ऐसे मोल्ड करेंगे कि हमारा ट्रेड बिल्कुल फ्लरिश करे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उस टाइम पर थोड़ा सा ये होगा कि भाई जब तक हम अपनी सत्ता में हासिल नहीं होंगे तब तक हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे साहब, पर सत्ता में हासिल करने का सही टाइम आ गया, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, तब तक तो निम्याते रहते थे, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो थोड़ी सी हीरो बनेंगे। और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के साथ साथ आप देखेंगे, पर मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन होगा तो बहुत सारे और एम्पायर्स यहाँ पर आएंगे, एक बड़ा एम्पायर गिरा तो उसके पेरिफेरी के अंदर जो होंगे बहुत सारे एम्पायर्स होंगे, मैसूर के अंदर अलग, ठीक है, हैदराबाद के अंदर अलग, हैदराबाद के अलग नवाब हो रहे हैं, मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान और उनके जो हैदर अली जो है, ठीक है, बंगाल के अंदर अलवर अली खान, मुशरत अली खान, ठीक है, वो है,
राइट, पंजाब के राजा रतन सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह, राइट, वो सब चीजें, वो डायमेंशन अलग अलग चलता रहे, वो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे किसके अंदर क्या था, पर हमें फिर भी ब्रिटिश के रूल को समझना है तो हमें किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज बंगाल। तो हम बंगाल के बारे में थोड़ा सा इसके अंदर समझेंगे, जिससे कि हम क्या कर सके, ब्रिटिश के एम्पायर के रूलिंग्स को समझ सके, जिससे समझिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, और उस इवोल्यूशन को समझकर फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सके। हमारा मेन टारगेट यह है कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सके। तो जब हम ये चीज पढ़कर बंगाल को समझ कर कि बंगाल के अंदर किस तरह का सिस्टम था, और बंगाल को समझ कर जब हम कहां पे रहेंगे, जब हम ये समझेंगे कि चार्टर एक्ट क्या है, तो जब हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इस पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का, तब हमें वो चीजें याद होंगी, नहीं तो ऐसे याद नहीं होने वाली, फिर तो रटते रहो। चार्टर एक्ट में 1833 में था, जब एक रिवोल्यूशन देखोगे तब तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने 50 बार पढ़ा होगा चैप्टर, पर अब जो चैप्टर पढ़ेंगे वो, ठीक है, कल या परसों के अंदर जो वो चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तब जाकर तुम्हें अलग प्रकार की, अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग वहां पर आएगी, अलग लेवल की समझ जो होगी वहां पर आएगी, ठीक है। तो इंडिया इन 18th सेंचुरी ये कैसा था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, और तो हम इसको पकड़ लेते हैं सब, बंगाल को थोड़ा समझ लेते हैं हम उस डायमेंशन में कि हमको पॉलिटी समझ में आ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से रेगुलेशन है वो समझ में आ रहा है। तो हमने बंगाल को पकड़ा, ठीक है। अच्छा, उस समय का बंगाल मतलब, उस समय का बंगाल मतलब बिहार भी हो गया बंगाल प्रॉपर, आज का बंगाल तो हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, उड़ीसा भी होगा, थोड़ा पार्ट झारखंड का भी आ जाएगा, ठीक है, जो बिहार के अंदर ही झारखंड का थोड़ा पार्ट, ठीक है, वो सब चीजें यहां पर आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो ये इतना सारा जो एरिया है ना, दैट इज द बंगाल इंटेंट। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें साहब, बंगाल के बारे में, और बंगाल के लिए ब्रिटिशर बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गए थे ना, इसके मन में ये लड्डू फूटता था, भाई काश मेरे को बंगाल मिल जाए, भाई ये बंगाल दिला दे बस एक बार, ठीक है, बंगाल मिल जाए हमें किसी तरह से, तो हमारा जीना जो होगा वो सफल हो जाएगा, फिर हम देख क्या ट्रेड करते हैं, फिर देख हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे आराम से, ऐसा मस्त ट्रेड करेंगे दुनिया के अंदर, राइट, इस तरह। तो बंगाल दिला दे, ठीक है, दिक्कत यह है क्या है कि बंगाल दिला दो कोई, राइट। तो हम बंगाल के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो बंगाल के अंदर हम देखें बिहार, बंगाल प्रॉपर और उड़ीसा, ये इसके अंदर ये वाला जो चीज था एट दैट टाइम कि जब नवाब हुआ करते थे बंगाल के अंदर, तो ये चीज होता, फिर जाकर हम देखेंगे बंगाल का टूटेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, वो सब चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जब है तो यहाँ पर बंगाल बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, बंगाल के ऊपर इनकी नजर क्यों है, क्यों हमको बंगाल दिला दे ये बोलते हैं, क्योंकि बंगाल जो है बहुत प्रॉस्परस है, बहुत रिच है, रिच और प्रॉस्परस, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स थे जैसे मुर्शिद कुली खान, जैसे अलवर्दी खान, इन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, क्या करे थे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और इसके कारण ये जो था बंगाल जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस हो जाएगा, और इसके ऊपर आंख जाएगी इसकी, हर किसी की आंख जाएगी, समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहां पर ही समझो कि चार्टर जब दिया ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो एलिजाबेथ थी क्वीन ने, कि भाई ब्रिटेन के अंदर से कि तुम जाओगे, तुम जाकर रूल करोगे, ठीक है, तुम जाकर रूल करो, ठीक है, रूल मतलब सॉरी रूल करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटेन की जो 1600 का चार्टर, तो तुम जाकर ट्रेड करो, बस तुम ही जाकर ट्रेड करोगे, पर ये तो ब्रिटेन की महारानी बोल रही है, ब्रिटेन की महारानी, समझ रहा है कि तुम जाकर ट्रेड करो, फ्रांस की महारानी तो नहीं बोल रही है, फ्रांस का महाराजा तो नहीं बोल रहा, तो फ्रांस की कंपनियां तो जा सकती हैं, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाएगी, वो भी ट्रेड करना चाह रही है, वो तो जाएगी, डच की कंपनी तो जाएगी, डच के ऊपर तो कोई नहीं है, तो डच की कंपनी भी यहां पहुंच जाएगी, समझ आ रहा है सबको, तो फ्रांस की, डच की, ब्रिटेन की, इन सब की कंपनी यहां पर पहुंचेगी, तो इन सब के अंदर भारत के ऊपर यहां पर कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि मैं कॉम्पिटिशन करूंगी, डच कह रहा है मैं भी करूंगा, ब्रिटेन कह रहा है मैं भी करूंगा, पुर्तगाल कह रहा है मैं भी करूंगा, इस तरह की चीजें हुई, तो वहां पर थे मुर्शिद कुली खान और वहां पर थे अलवर्दी खान, और उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने लगे। तो तब तक तो वो कुछ ऐसे उन्होंने उस तरह का दिखाया नहीं, क्योंकि मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता था, पर जब यहां पर मुगल एम्पायर डिक्लाइन होंगे और फिर जाकर बंगाल के अंदर नवाब बनेंगे, ठीक है, बनेंगे और अपनी सत्ताएं रखेंगे,
तब जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर जाकर सोचेगी कि हमारा भी कुछ मन में लड्डू फूटे और हम भी यहां पर करें। तो यहां पर एक चीज स्टार्ट होगा कि यहां पर ब्रिटिशर्स जाकर बंगाल के अंदर फ्रांस वाले जाके फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जाकर यहां पर क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, किलाबंदी। किलाबंदी ऐसा नहीं कि किला बना रहे, ठीक है, कि यहाँ पे सैनिक खड़ी कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ये एक तरह से फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री होती है ना फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बना रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री के अंदर क्या है, फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्री के अंदर सामान रखना है अपन को, तो सामान रखने के साथ साथ क्या करने लग गए ये लोग, सामान रखने के साथ साथ थोड़े थोड़े वेपन्स भी रखने लग गए, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन कहीं जाकर किसी जगह पर जाकर तुम किला बना रहे, ठीक है, तो वहां के राजा महाराजा से पूछ के बनाओ, जब तो ठीक है, कुछ किले तो उन्होंने राजा महाराजा से पूछ के बनाए, ठीक है, फोर्टिफिकेशन की साहब हमको अपना सामान लेकर आते हैं वहां से, तो साहब पोर्ट पे उतारते हैं, तो साहब उसको इकट्ठा करने के लिए जगह चीज दे दोगे क्या, तो हमने कहा ठीक है बेटा कर ले, लीलम नहीं। पर ये एडिशनल फोर्टिफिकेशन करने लग गए बिना राजा से पूछे, अब ये राजा की प्रेस्टीज के खिलाफ हो गया, ठीक है ना, ये राजा की प्रेस्टीज के खिलाफ हो गया कि भाई ये जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया राजा, इसके अंदर बोला कि ये मेरी सोवरेनिटी के खिलाफ है कि मेरे घर में आके कोई मेरे से पूछे बिना फोर्ट बना लिया। ये फोर्ट बनाना मतलब एक राज्य, इसको ऐसा बनाया जाता था कि एक तरह से राजा का काम है, तुमको लोग कब के करने लगे, मतलब सोवरेनिटी के खिलाफ चला गया। तो जब वो हमें ये डिटेल में पढ़ेंगे कौन से फोर्ट थे, क्या था, क्या इस तरह से, है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी एक कहानी की तरह सुने, जब फोर्टिफिकेशन करने लगे तो राजा को दिक्कत होगी, उस वक्त राजा था सिराजुद्दौला, यंग बना हुआ नया नया राजा, उसने देखा भाई ये मेरी बात नहीं मान रहे, फोर्टिफिकेशन कर लिया इन्होंने, अच्छा बंगाल ने भी करा, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी करा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी करा, दोनों ने फोर्टिफिकेशन कर लिया मस्त तरीके से। फोर्टिफिकेशन करना मतलब देखो, जैसे मैं तुमको एक फोर्ट विलियम्स का ही है, तो इस तरह से किला सा बना लिया है, ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसके अंदर ऐसा था कि इन्होंने अपने कहा कि हम अपने फैक्ट्री का सामान, हम जो भी सामान ले जाते हैं एक तरह फैक्ट्री की तरह, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था कि भाई जो नवाब जो होगा ना वो थोड़ा सा बिगड़ेगा कि भाई फोर्टिफिकेशन मत करो, और वो कहेगा भाई फोर्टिफिकेशन यहां से हटाओ, ठीक है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी तो कहेगी ठीक है माई बाप आप कहते हैं तो फोर्टिफिकेशन हटा रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी नहीं हटा रहे, हम क्यों हटाए फोर्ट, इतनी मुश्किल से बनाया, मेहनत से बनाया, वो नहीं हटाओगे तो पीटो जाओगे, बोले पीट लो। तो एक फोर्टिफिकेशन एक रीजन था। दूसरा रीजन जो है मेन रीजन, वैसे तो हम डिटेल में मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ेंगे, वो था एक दस्तक। दस्तक तुमने सुना होगा, दस्तक, दस्तक का मिसयूज ऑफ दस्तक, ठीक है। दस्तक जो है देखो, आपने आपको पता होगा कि एक होता है फरमान, एक होता है फरमान, एक होता है दस्तक। तो फरमान और दस्तक में क्या अंतर है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये लगता होगा दस्तक जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज गिवन बाय फरूख शियार, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताबों में लिखा भी हुआ है, पर ऐसा नहीं था। दस्तक इज नॉट गिवन बाय द फरूख शियार, ठीक है। क्या है ये अपन ने उसके अंदर देखो कि फरमान, फरमान और दस्तक में क्या अंतर होता है ये समझो पहले, और फिर फरमान और दस्तक में अंतर समझोगे तब जाकर प्रीलिम्स के अंदर आता है क्वेश्चन, वो गलत करने से बचोगे। अगर अभी आपके पास आ जाए दस्तक, तो दस्तक आप कह देंगे दस्तक जो है वो तो किसने दिया था, राइट टू फ्री ट्रेड है, और राइट टू फ्री ट्रेड है फरूख शियार ने दिया था ब्रिटिशर्स को, ऐसे लिख दोगे, पर इसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस है वो समझोगे, ठीक है। देखो फरमान क्या होता है कि एक मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर का टाइम की बात कर रहे हैं, मुगल एम्पायर के टाइम की बात, उसके अंदर एक मुगल एम्पायर है फरूख शियार, ठीक है, लेटर मुगल्स के अंदर आता है फरूख शियार, अभी भारत के ऊपर इनकी पकड़ है, ठीक है। तो फरूख शियार 1717 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी करता है, फरमान, फरमान मतलब राजा महाराजा फरमान जारी करते हैं ना, ऐसे फरमान जारी करता है, फरमान, फरमान का मतलब एक रॉयल ऑर्डर है, एक रॉयल ऑर्डर, राजसी फरमान, राजसी एक ऑर्डर है जो कि मुगल किंग के द्वारा दिया जा रहा है फरूख शियार को, है ना, ज्यादा मतलब इस तरह से फरूख शियार के द्वारा एक फरमान दिया जा रहा है, फरमान राजा महाराज कह देंगे फरमान ही देंगे, और फरमान के अंदर ये लिख रखा है कि भाई तुमको है ना फ्री में ट्रेड करो आराम से, यहाँ पर तुम्हारी शक्ल से हम खुश हुए तो तुम फ्री ट्रेड करो। तो ये स्टार्टिंग है इनके मन में लड्डू फूटने की, बोले ये फ्री ट्रेड दे दिया कितना बेवकूफ राजा है, इसलिए इसको बेवकूफ राजा भी कहते हैं, ठीक है। तो फरूख शियार जो है उसने रॉयल ऑर्डर दिया कि फ्री ट्रेड करो, फरमान जारी करा, और फरमान के बेसिस पे पासिस देने लगे, दैट इज नोन एज दस्तक। और दस्तक जो होंगे, ठीक है, दस्तक जो होंगे
That is not given by the Mughal Empire. Dastak was given by the Calcutta Council of East India Company. कि हमने राजा से परमिशन ले ली है, अब हम आपको दस्तक बांटेंगे. दस्तक मतलब कि जिसके पास दस्तक होगा वो फ्री ट्रेड कर पाएगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो दैट इज नोन एज दस्तक. तो दस्तक कभी आ जाए तो दस्तक इज गिवन बाय द फरुखशियार. नो, फरुखशियार फरमान जारी कर रहे हैं और फरमान के बेसिस पे एक दस्तक दिया जा रहा है. दस्तक मतलब कि पास दिया जा रहा है. किसके द्वारा शुरू करा रहा है? कलकत्ता ईस्ट इंडिया काउंसिल. कलकत्ता काउंसिल जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाएगा पास, कि भाई तुम ये पास रखो, ये पास देखा. कोई कहे कि टैक्स दो इसके ऊपर, तो बोले ये देखो पास. बोले हाँ यार तेरे पास तो पास है, चल टैक्स फ्री. जीएसटी लगा, जीएसटी दे. जीएसटी कहीं का देने, ये दे लो. फरुखशियार के फरमान के ऊपर बेस्ड दस्तक है जो कि हमको हमारी कलकत्ता ईस्ट इंडिया काउंसिल ने दिया है, और उन्होंने पहले फरुखशियार से फरमान लिया है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो आप इस तरह से इसके अंदर बोल सकते हैं. तो यहां पर अगर हम देखें, नहीं फरमान जो है, चार्टर जो है, चार्टर देखो, चार्टर जो है वो बेसिक है. वो चार्टर जो है वो अंग्रेजों की भाषा के अंदर फरमान मान लो. ठीक है, पर यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसको मुगल एम्पायर के अंदर फरमान. चार्टर इज रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स जैसे उसने एलिजाबेथ ने बोला कि मैं तुमको बोलती हूँ तुम जाओ. ठीक है, यहाँ पर फरमान जारी होते हैं, वहां पर चार्टर जारी होते हैं. तो इंडियन वर्जन जो है वो फरमान. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो फरमान और दस्तक में अंतर है, पर इस दस्तक का जो था ना वो मिसयूज करने लगे एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये दस्तक भेज देते थे किसी को कि भाई तू ले ले, भाई तू कर ले ट्रेड, मेरे को है ना 5,000 रुपए भेज दे, एक महीने तू रख ले, फिर मैं रख लूंगा. तेको दस्तक दिखाना है, जीएसटी माफ. अभी बताएंगे दिव्या, अभी बताएंगे. ठीक है, वापस बोल रहे हैं. ठीक, दस्तक कुछ नहीं है, दस्तक एक पास है. मतलब देखो कि मान लो मैं हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, मेरे को लग रहा है फरुखशियार है ना पागल सा आदमी, उसको बेवकूफ बनाते हैं. चलो फरुखशियार जो है उस वक्त क्या है, मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर है. मैं गया, माई बाप की जय हो, मिली जय हो, जय हो. बोले गोरी चमड़ी वाले आए आपसे मिलने. ठीक है, कौन आया? भैया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से. बोले साहब हमको है ना, हम तो बहुत दूर से आए, दूर दराज से. सुना होगा आपने यूरोप का नाम सुना होगा, वहां से आए साहब हम. और साहब इतना सारा हमको यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है, हम तो साहब मर जा रहे हैं. बोले अरे कोई बात नहीं यार, और सर हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए. लाओ भाई महाराज जी को गिफ्ट दो. महाराज जी गिफ्ट देख के प्रसन्न होंगे. महाराज ने कहा चाहिए क्या तुम्हें? साहब हमको अगर मान लो आप एक फरमान जारी कर दो साहब कि आपको टैक्स नहीं देना है. ठीक है, इनसे कोई टैक्स नहीं लेगा, तो आप तो मुगल एम्पायर, आपका फरमान सराखों पे, कोई हमसे टैक्स नहीं लेगा. तो बोले बस इतनी सी बात. बोले अगली बार वापस गिफ्ट लाएगा? बोले हाँ लाऊंगा. ठीक है, चलो हम एक फरमान जारी कर रहे हैं भाई, एक फरमान जारी कर दिया. सुन लो दुनिया वालों, भारत वालों, भारत की सारी प्रोविंसेस सुन लो, कि हमने एक फरमान जारी कर दिया है कि ब्रिटिशर्स जो होंगे ना उनको हम राइट टू फ्री ट्रेड देते हैं, राइट टू फ्री ट्रेड देते हैं. मतलब राइट टू फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? बिना टैक्स पे करे आप आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. बोले महाराज की जो, महाराज की जो, करते करते बाहर आ गए. ये हो गया फरमान. अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जाएगा और अपनी कलकत्ता काउंसिल को बताएगा, ये कलकत्ता काउंसिल पता है क्या हुआ, ये ले देख क्या दिखाऊं, देखो फरमान, ये मुगल एम्पायर फरुखशियार ने दिया है. क्यों ये? कि अब इसके बेसिस पे हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं. तो उसने बोला ठीक है. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो अपने एम्प्लॉयज को दस्तक बांटेगी. दस्तक कि ये देखो पास है जिसके ऊपर लिख रखा है कि हमको एम्पायर ने कह दिया, और वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे किसको कितना देना है, दस्तक देना है. बड़े ऑफिसर को ज्यादा दस्तक देने है, कम ऑफिसर को ज्यादा, तो दस्तक दे देंगे सबको कि भाई अब आप तुम ट्रेड करो मस्ती से. ठीक है, तो दस्तक जिसके हाथ में वो मतलब उसको जीएसटी नहीं देना है. इज दिस क्लियर? तो दस्तक जो होगा, देखो दस्तक जो होगा अगर हम देखें, इज ए फ्री पास इशूड बाय द कलकत्ता काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर डूइंग ट्रेड इन द बंगाल बिहार उड़ीसा विदाउट पेइंग टैक्स. बंगाल बिहार उड़ीसा के अंदर ही, क्योंकि अपने नीचे पैटर्न है ना, बंगाल बिहार उड़ीसा मतलब उस टाइम का पूरा बंगाल, विदाउट पेइंग टैक्स. सही है सर. दस्तक वॉज बेस्ड ऑन फरमान इशूड बाय द फरुखशियार. फरमान जो है वो इशू करा है फरुखशियार ने, पर दस्तक जो इशू करा है वो करा है बंगाल के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने. ठीक है, उसकी काउंसिल ने, कलकत्ता काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आप लोग म्यूट ऑफ करके बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है सर, सिर्फ टाइप ही करना है, कुछ भी मतलब आपके ऊपर है. ठीक है, तो ये इस तरह से है. तो है ना, दस्तक वॉज बेस्ड ऑन द फरमान इशूड बाय द फरुखशियार इन 1717. तो फरमान क्या है? एक रॉयल ऑर्डर है बाय मुगल किंग. दस्तक वॉज फॉर द कंपनी बट यूज बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज. इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के अंदर यूज करते हैं, अब वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को मिस यूज करने लगे तो
जो सिराजुद्दौला होगा वो थोड़ा भड़केगा, सिराजुद्दौला बोलेगा यार तुमको फरमान दिया था मुगल एम्पायर ने, उसके ऊपर जो दस्तक है जो तुम इसको मिसयूज कैसे कर लो। तो ये सब चीजें होगी और भी बहुत सारी डायमेंशन है जिसके कारण क्या होता है कि आपस में ये लोग बढ़ जाते हैं और आपस में फिर ये कहते हैं ना तुम फोर्टिफिकेशन बंद कर रहे हो भाई। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो फोर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि हम तो फोर्टिफिकेशन करेंगे और तुम दस्तक को भी मिसयूज करो, इससे हमारा है ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है साहब, है ना, रिवेन्यू के अंदर बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो अब तुम ये चीज मानेंगे? बोले नहीं मान रहे। बोले नहीं मानोगे? नहीं मान रहे, ठीक है फिर लड़ो, लेट्स फाइट। तो 20 फरवरी 1956 को, ठीक है सॉरी 1756 को सिराजुद्दौला जो होगा वो डिफीट कर देगा, किसको डिफीट कर देगा? ब्रिटिश फोर्स को, ठीक है 20 फरवरी 1756 के अंदर, सॉरी आ रहा है, वो डिफीट कर देगा कलकत्ता के अंदर ब्रिटिश फोर्स। जब ये डिफीट कर देगा तो फिर वो एक बैटल होगा, बड़ा बैटल जिसको हम बोलेंगे 23rd जून 1757, ठीक है, को एक बैटल हो, मतलब थोड़ी सी टुकड़ी को उसने डिफीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सब मिलकर लड़ेंगे। 23rd जून 1757 को एक बैटल होगा, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ पलासे, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी जो होगा 23rd जून 1757 को, जो बैटल ऑफ प्लासी होगा, ठीक है, जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होगा। और बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ये देखेंगे कि यहां पर ब्रिटिशर्स जो होंगे, ब्रिटिशर्स मिलकर आएंगे, ब्रिटिशर्स के जो रॉबर्ट क्लाइव और ये सब लोग आएंगे और ये मिलकर सिराजुद्दौला को हरा देंगे। सिराजुद्दौला को हराना, अब ये बहुत बड़ा बैटल है भाई, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन डिटेल के अंदर, ठीक है। सिराजुद्दौला को हटा देंगे और उसके अंदर सिराजुद्दौला के अंदर एक गद्दार था वहां पर, ठीक है, गद्दार फेमसली नोन एज मीर जाफर, जिसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जो कि कमांडर इन चीफ था इसका, सिराजुद्दौला था। तो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जब कमांडर इन चीफ ही किसी और के साथ लड़ रहा है, उनको लग रहा है कि भाई जाकर सेना की टुकड़ी तू संभाल लेना, उसने सेना की टुकड़ी को उधर लेकर चला गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आकर तुमको मार दिया। तो मीर जाफर जो थे ना वो नेक्स्ट नवाब बन जाएंगे बंगाल के, सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर नवाब बन जाएंगे बंगाल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। यहां तक समझ में आ रहा है? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, ये सब चीजें बहुत शॉर्ट के अंदर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सर हमको फिर समझ में आए, अच्छा ऐसे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। अब मीर जाफर, अब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया, पर ब्रिटिशर्स खुद जाकर नहीं बैठे यहां पर, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। ब्रिटिशर्स खुद जाकर यहां पर नहीं बैठेंगे कि हम बैठ गए हम रूलर बन गए, इनको रूल करना ही नहीं है, इनको पॉलिटिक्स से क्या मतलब, इनको इकोनॉमिक्स से मतलब है। ये अपनी कठपुतली बिठाई यहां पर मीर जाफर की, मीर जाफर देख हमने तेरे को जिताया है, हमारे कारण ही तू जीता है मीर जाफर। तो मीर जाफर पहले तो तू बहुत सारे पैसे दे हमको, तो 17 करोड़ के आसपास रुपए देगा, रॉबर्ट क्लाइव कहेगा मेरे को अलग से दे भाई, तो उसको देगा 2 मिलियन रुपए अलग से मीर जाफर उस टाइम के, तो सबको खूब सारे रिश्वत रिश्वत देगा इनको। रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा मेन लीडर तो मैं हूं, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे, मुझे तो दे, तो भाई ले तू भी ले। तो मीर जाफर सबको बहुत पैसा देगा और मीर जाफर से बोलेंगे भाई देख तू है रूलर तेरी खुद की नजरों में बस, ठीक है, या फिर लोगों की नजरों में, तू एक कठपुतली, कठपुतली क्या है तू, बोले कठपुतली हूं मैं, राइट, तो तू कठपुतली की तरह ही रहना, जो हम कहें वो कहे, हम कहेंगे सो तो सोएगा, उठे तो उठेगा। तो ब्रिटिशर्स खुद जाकर नहीं बैठ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वहां पर, क्योंकि उनको पॉलिटी नहीं समझनी, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। कल को आएगा महाराज हमारा ये प्रॉब्लम है, तो ब्रिटिशर कहेगा मेरा दिमाग मत खा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को ये रूल नहीं करना, ब्रिटिशर्स को यहां पर एक पपेट बिठाना है, ये करेगा भाई रूल, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उठाएगा सब कुछ और सब कुछ इस, ये हमारे हिसाब से करेगा और हमारे हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और लॉ ऑर्डर मेंटेन करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम जहां का जमींदारी राइट चाहेंगे ये देगा हमको, हम कहेंगे पैसे दे दे पैसे देगा हमको, हम कहेंगे गिफ्ट दे हमको गिफ्ट देगा, पैसा दे पैसा देगा। और हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा पॉलिटी चलाना है साहब, हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है यहाँ। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज क्या, कि ये जो चीज होगी दैट इज कि बंगाल आर्मी डिफीटेड एंड मीर जफर बिकम द नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। तो 20 फरवरी 1756 को सिराजुद्दौला हराते हैं, फिर 23rd जून 1757 को बैटल प्लासी होता है जिसके अंदर बंगाल आर्मी हार जाती है और मीर जफर नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं बंगाल के, और नेक्स्ट नवाब बन जाएंगे। तो ये हो गया इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू मीर जाफर इन बंगाल, मीर जाफर के थ्रू यहां पर आ गया। और मीर जाफर को जब उन्होंने बिठाया तो उस मीर जाफर को बोल दिया कि भाई मीर जाफर तेरे को हम बिठा रहे हैं, तू क्या है,
बोले मैडम मिर्जा, अरे तू भूल गया, तू मिर्जाफर नहीं, तू कठपुतली है हमारी। बोले अच्छा। After placing Mir Jafar on the throne of Bengal, an agreement was signed in order to facilitate British company to maximize their profit. तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, हमको बहुत सारे तुम कैश प्राइस दोगे तो कैश प्राइस देंगे, और एक जमींदारी दी उन्होंने 24 परगनास की, है ना, 24 परगनास की, 24 परगनास की एक जमींदारी इनको दे दी कि इससे जो भी रेवेन्यू होगा तुम लोग, जमींदारी सिस्टम। ये मीर जाफर ने इनको एक तरह से गिफ्ट दिया, और टाइम टू टाइम उसको गिफ्ट देना है। ठीक है, परगना का मतलब क्या होता है, 24 परगना की जमींदारी दे दी। अब परगना का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। परगना का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, परगना मतलब कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस होगा, मान लीजिए ग्रुप ऑफ विलेजेस मिल गया, समझ रहे, ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट इज नोन एज परगना, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस को अपन परगना बोलते हैं। और ऐसे परगनास जो है, ग्रुप ऑफ परगनास जो होंगे, ऐसे बहुत सारे परगनास होंगे, ठीक है, इससे मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं सरकार, उस टाइम पे सरकार, इससे वर्ड निकला है सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट सरकार का जो, और ग्रुप ऑफ सरकार जो होगा वो मिलकर एक स्टेट बना देगा, वो मिलकर एक प्रोविंस बना देगा, ग्रुप, समझ में आया। तो परगना इज जस्ट ए यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होंगे दैट इज नोन एज परगना, ग्रुप ऑफ परगना इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट, और ग्रुप ऑफ सरकार और डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज स्टेट। ठीक है, तो परगना क्या होता है, एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बस इसीलिए एक फैक्ट बता दिया जिससे कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जमींदारी ऑफ 24 परगनास का मतलब क्या है। तो 24 परगना मतलब 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस उसको दे दिए, एक ग्रुप ऑफ विलेज, एक ग्रुप ऐसे मिलकर 24 ग्रुप ऑफ विलेज दे दिए कि यहाँ पर जमींदारी तुम करो, और हम यहाँ पे ह्यूज कैश प्राइसेस एज गिफ्ट इस तरह से इसके अंदर दिया मीर जाफर के। अब मीर जाफर को ये कहते थे कि भाई और दे और दे और दे, मीर जाफर ने कहा सुनो भाई बंगाल का सारा रेवेन्यू तो तुम्हें खा गए। तो मीर जाफर जो होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा उसको अपोज करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को, भाई अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो ये क्या करेंगे, ठीक है भाई हमको तो क्या, एक कठपुतली हटाएंगे दूसरे को बिठा देंगे, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को यहां पर बिठा देते हैं, मीर कासिम, मीर कासिम, और मीर कासिम आते ही इनको खूब सारा पैसा देगा, और इनको क्या कर देगा, तीन इंपॉर्टेंट रीजन दे देगा, बुर्दवान, मिदानपुर और चिटगांव, ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन इनको दे देगा, इसके अंदर तुम जाओ, तुम अपनी आर्मी एस्टेब्लिश करो, ट्रुप्स रखो इसके अंदर, यहाँ का जो भी पैसा हो तुम लो, और ये सब चीजें इसके अंदर, क्योंकि तुमने मेरे को राजा बनाया। तो ब्रिटिशर्स की स्टाइल देख रहे हैं आप, कि ब्रिटिशर खुद जाकर नहीं बैठ रहे, ब्रिटिशर अपनी कठपुतली को वहां पर बिठा रहे हैं, कठपुतली से काम करवा रहे हैं, और कठपुतली से काम कराकर ब्रिटिशर्स अपना मजा कर रहे हैं। अब मीर कासिम आगे क्या करता है, ठीक है, किस तरह से बैटल ऑफ बक्सर होता है आगे चलकर वो हम समझेंगे, ठीक है, एक डायमेंशन हम उसके अंदर समझेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरह से ब्रिटिशर्स यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किस तरह, डिप्टी सूबेदार और वो जो आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, वो सब चीजें होंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद किस तरह से वहां पर वो ट्रीटीज करेंगे, और जब ये सब चीजें करेंगे तो वहां पे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, जो क्वीन एलिजाबेथ ने उसको भेजा था कि भाई ट्रेड कर ले, वो नीचे देखेंगे भाई ये ट्रेड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जब वो उसको देखेंगे कि ये ट्रेड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये लोग तो वहां के नवाबों को मार दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, तो उनको की चिढ़, और वहां से फिर वो चीज क्या करके आएंगे, वो आएंगे कि भाई हमको इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, और फिर उससे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा, वहां से हमारी पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ व्हाट, इसके लिए यहां तक पहुंचने के लिए 1773 एक्ट को पढ़ने के 2-3 क्लासेस मेरे को और चाहिए, जिससे कि तुम्हें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बने ब्रिटिशर्स किस तरह से। उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद तुम जब भी ये चीज पढ़ोगे, ठीक है, तो इसके अंदर से तुमको हमेशा, आपको एक बार पढ़ने की जरूरत होगी, बार बार तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, द फेमस चैप्टर, जिसको बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बैकग्राउंड तुम्हारे पास नहीं है, अभी बैकग्राउंड हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इज दैट कि यहां तक हम आज की क्लास रख रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास मतलब ये क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 8 PM पर होगी। तो अब देखो, अब तुमको क्या करना है, अभी तो क्योंकि एक दो दिन क्लास चल रहे हैं, तो फिर तुम्हारा टाइम टेबल सेट कर देंगे हम, जब एक पता चल जाए कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद टाइम टेबल सबका सेट कर देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, अब ये जो बच्चा खाली टाइम है ना, अभी आज के लिए बोल रहे हैं, इसके अंदर इसी चीज को रिवाइज करो, बस इसी चीज को, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मत पढ़ने लगे, इसी चीज को रिवाइज करो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, फिर तो कि भाई अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो अपन को ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, PDF मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इसका वीडियो भेज दे रहा हूँ।
ठीक है, कैसे भेजना है सब पता चल जाएगा, ग्रुप पे सब बता देंगे टीम, ठीक है। वीडियो पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपको जो वीडियो हैगा वो आपके पास एक साल तक रहेगा, तो डोंट वरी कि सर आज वीडियो है कल नहीं है, तो एक डेढ़ साल तक आपके पास आराम से वीडियो रहेगा, आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितनी बार देखो, डेढ़ साल तक, दो साल तक, जितना भी होगा वो दे देंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो इसके लिए चिंता मत करना, तो वीडियो देखो, पर वीडियो को आपको हैबिट नहीं बनानी, दिस इज जस्ट फॉर योर कि भाई कभी क्लास मिस हो जाती है तो आपको देखना लाइव क्लास ही, और वीडियो को वापस मत देखो, बार बार मत देखो, बस आपको पास ये है कि हाँ हमारे पास वीडियो है, कभी मिस हो जाती है क्लास तो लाइव क्लास ही बेस्ट क्लास है, इसको बार बार देखकर अपनी आप जो है अपना जो टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 8 बजे होगी शाम को 8 PM पर, उसका भी लिंक उसी तरह से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, थैंक यू। यस देवयानी प्लीज। सर आई हैव टू डाउट्स, सर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे तो वो इंटेंशनली रूल से निकले आए थे या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, क्योंकि जैसे हमने बंगाल में देखा उनका टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनका पैटर्न था, तो उसमें तो लग रहा था कि लाइक उनको ऐसा कुछ रूल करना नहीं था, जस्ट इकोनॉमी ओरिएंटेड ही थे। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट ओरिएंटेड ही थे बिल्कुल, कंपनी क्या होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उनको नहीं करना है कि भाई हमको रूल करना है, पर उनको लॉ ऑफ लैंड अपनी गाइड करना है, उसके लिए उनको खुद रूल ना करके वो अपनी कठपुतली बिठा रहे उधर देवयानी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर आ जाएगी तो वो रूल करने लग जाएगी, वो आगे की बात है, समझा ना। वन मोर डाउट सर, 10 तक जो एम्प्लॉइज को मिलता था तो उसके लिए उनको पे भी करना होता था क्या? पे करना होता था एम्प्लॉइज को? नहीं, एम्प्लॉइज को जैसे ऐसा होता है ना कि भाई एम्प्लॉइज को हम दे रहे हैं, जैसे होता है ना कंपनी इंसेंटिव देती है कि कंपनी के शेयर दे दिए आपको, वैसे कि इनको इतने दस्तक दे दिए, इनको दस्तक दे दिए, जो होता है ना फ्रीवीज या फिर इंसेंटिव्स वैसा। ओके ओके, वेरी यस। हां ओके, अभिषेक वांट टू से समथिंग, वेरी यू वांट टू आस्क समथिंग और मोर? नो सर। ओके थैंक यू अभिषेक। सर जो ये बैटल ऑफ प्लासी वगैरह हुई तो ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज लड़ रहे थे क्या? हां, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनको तो पता ही नहीं चल रहा है वो यहां पे रॉबर्ट क्लाइव कौन है, कंपनी के एक तरह से आदमी है वो, कंपनी का ब्रिटिश आर्मी के सर लोग नहीं है वो? नो 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 नो, कंपनी लड़ रही है यहाँ पे, ब्रिटिश आर्मी तो बाद में आएगी, ब्रिटिश आर्मी तो आप देखेंगे चार्टर जब 1857 की क्रांति आएगी उसके बाद ब्रिटिश पूरा कंट्रोल लेगा, 1858 का एक्ट जो है गवर्नमेंट एक्ट है ना, तो इससे पहले ये सब ये एम्प्लॉयज है, ये जो लड़ रहे महाराज को मार दिया ये मार दिया, ये ब्रिटिश की आर्मी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्होंने अपनी खुद क्या की भाई रूल करने के लिए अपनी फैक्ट्री वैक्ट्रीज में बंदे रख रखे हैं वो है ना, तो ये बिल्कुल डाउट क्लियर रखना। यस राबिया प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर 10 तक जो था वो पूरी कंपनी को दिया जाता था, परमिशन पूरी कंपनी को दिया जाता था, वो क्यों इंडिविजुअल पासेस देते थे? इंडिविजुअल पासेस तो मैं जैसे मेरी कंपनी को बोल रहा कि भाई तुम आराम से फ्री ट्रेड करो, ठीक है, तो अब मैं उनको दूंगा ना जिनके पास, अब मैं सबको दे दूंगा तो फिर मेरा कंट्रोल कैसे रहेगा एम्प्लॉइज के ऊपर, समझ रहे राबिया? तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, समझ रहे कि मैं अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ कि ये जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको इंसेंटिव की तरह दे दिया कि भाई ला तू प्री ट्रेड कर, वैसे राबिया इसके अपार्ट कंपनी करती थी अपना ट्रेड फ्री ट्रेड। हाँ कंपनीज अल्टीमेटली तो कंपनी कर रही है, अल्टीमेटली मैं कर रहा हूँ, पर मैं अगर मान लो सभी एम्प्लॉयज को दे दूँ, मेरे छोटे छोटे एम्प्लॉयज को भी दे दूँ तो उनको ट्रेड से मतलब ही नहीं, उनको क्या करना है, मैं कहूँ कि अगर ऐसे कह दूँ कि मेरी कंपनी के हर लोग के पास फ्री ट्रेड का है तो वो जो जो चीज है जो एम्प्लॉयज है उनको देना का क्या है जो छोटे एम्प्लॉयज है, तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना भाई तू फ्री ट्रेड कर सकता है, तू फ्री ट्रेड कर सकता है, तो अनार्की हो जाएगी मेरी कंपनी के अंदर ही, हर कोई फ्री ट्रेड करने लग जाएगा। पर ऐसा थोड़ा ना होगा कि सभी ट्रेड, जैसे मान लो मेरी कंपनी के अंदर एक मैनेजर होगा तो मैनेजर को दूंगा ना मैं कि मैनेजर तो जाकर कर ले, वो दूसरे को दे दूंगा तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लग जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, नहीं तो समझ मारा फ्री ट्रेड का मिसयूज हो जाएगा तो मेरी कंपनी को लॉस होगा, वो अपनी खुद की कंपनी खोल ली उसने कहा मेरे पास दस्तक है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए तो ब्रिटिश की जो कलकत्ता काउंसिल है ईस्ट इंडिया कंपनी की वही देगी, तो 10 तक उनको दिया था, फरमान जो जारी करा है वो मुगल एम्पायर। थैंक यू सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स? चलिए देखिए, वैसे डाउट ज्यादा आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, तो डाउट इस तरह से ज्यादा आएंगे नहीं, फिर भी कोई भी डाउट रहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम इन द क्लास, है ना, अभी तो आप क्लास के बाद
क्लास के वक्त भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? प्लीज पूछिए डाउट, तभी जाकर मेरे आएगा क्लास में, ठीक है? तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।